बोल्टन ने बताया, लेकिन हमारे जो ऋषि थे हमारे एक ऋषि थे, ऋषि कणद आई थिंक, उन्होंने पहले ही अणु परमाणु के बारे में बता दिया था, अणु और परमाणु की थ्योरी पहले दे दी थी। लेकिन क्योंकि वो इतने अंग्रेजी नहीं जानते थे, वो वहां तक नहीं पहुंचे हुए, आत्मा नहीं थी, तो बेसिकली वो ना उसको रजिस्टर नहीं कर सके। लेकिन एटम शब्द सबसे पहले दिया था डॉल्टन ने। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो कोई भी मैटर होता है ना, कोई भी मैटर, मैटर किसको बोलते हैं, जो कि जिसके पास मास हो और जो स्पेस को घेरता हो उसको मैटर कहते हैं। जैसे कि ये पेन भी ले लोगे तो पेन एक मैटर है, आप खुद भी एक मैटर हो, आपका मास है। मैं आपसे पूछूं आप कितना भार है, बोलोगे 70 किलो, 60 किलो, 50 किलो, कोई एकदम फैल चुका होगा तो 70 से 100 किलो हो गया होगा, 150 किलो हो गया होगा। सो यू हैव मास, आ रहा है समझ में। और आप जब आप बैठते हो तो स्पेस घेरते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप बैठ गए तो कोई स्पेस ही नहीं घेर रहे हो और आपके ऊपर आके कोई भी बैठ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो बेसिकली जो चीज जिसके पास मास होता है और बेसिकली जो स्पेस घेरती है वो सारी की सारी मैटर कहलाती है। आ गया समझ में, ध्यान से समझना। आप, मैं, पेन, चेयर, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, यो हनी सिंह, बादशाह, कोई भी ले लो, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ऑल आर मैटर्स, ऑल हैव मास, ऑल आर एक्चुअली टेकिंग स्पेसेस। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, उनके पास मास है, ये स्पेस स्पेस लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वो स्पेस घेरते हैं। समझ में आ गया। और एक्चुअली ये जितने भी मैटर होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिनको एटम बोलते हैं। ऑल मैटर आर मेड अप विथ स्मॉल पार्टिकल्स कोल्ड एटम, ऐसा किसका कहना था, डोल्टन का कहना था। जितने भी इस यूनिवर्स में मैटर हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिनको एटम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एटम का जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल का जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था, डोल्टन ने दिया था। डोल्टन ये कहता था, भाई साहब डोल्टन बड़ा तेज था, वो ये कहता था कि भैया ऐसा है जितने भी मैटर है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बनते हैं। शब्द को पकड़ना, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब वो ये कहता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन वो अपने आप में गलत था, क्योंकि बाद में एटम को डिवाइड कर दिया गया था, वो अलग बात है, लेकिन एटम के रिस्पेक्ट में थ्योरी तो पढ़ने की जरूरत है। डोल्टन पहला ऐसा बंदा था जिसने कहा था कि भैया जो एटम होता है वो सॉलिड स्फेयर की तरह होता है। समझ में आ गया, एक बोल के जैसा एटम का शेप होता है। मैं आपको इसके बारे में भी थ्योरी बताऊं, आप कभी एटम की शेप को कभी चकोर नहीं बोलते हो, आयत नहीं बोलते, मतलब स्क्वायर नहीं बोलते हो, रेक्टेंगल नहीं बोलते हो, हमेशा गोल ही क्यों बोलते हो, उसका रीजन क्या है? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके पीछे भी एक थ्योरी है। अगर डोल्टन ने बोला कि एटम स्फेरिकल होता है तो उसके पीछे की थ्योरी क्या है? उसके पीछे की थ्योरी है कि नेचुरली कोई भी चीज होती है वो अपनी राउंड शेप कर लेती है, क्योंकि उससे इसका ना फ्रिक्शन कम हो जाता है। अगर आपने कभी गौर किया हो, बारिश की बूंदें, जब आप बारिश में बाहर निकालो तो बारिश की बूंदें गोल होती है। नेचुरली जो भी चीज पैदा हुई है वो गोल होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। जैसे अपनी अर्थ, वो गोल है, स्फेरिकल शेप की है। मून, सन स्फेरिकल शेप के हैं। आपने कभी देखा हो जो नेचुरली चीजें पैदा होती हैं वो अमूमन स्फेरिकल शेप ले लेती है, अंगूर, तरबूज, ठीक है, उनके पास एक स्फेरिकल शेप है, क्योंकि उनकी उस शेप की वजह से उनकी बेसिकली जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है और बेसिकली उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज द रीजन कि वो एक नेचुरली जो भी चीज अवेलेबल है वो स्फेरिकल शेप ले लेती है। समझ में आ गया, फ्रिक्शन घट जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्फेरिकल शेप से पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाती है। दोज आर द रीजन, बहुत सारे स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट नेचुरली जो भी चीज पैदा होती है वो स्फेरिकल होती है नेचुरली। समझ में आ गया। अब डोल्टन ने सोचा, भैया अपना सन भी गोल है, मून भी गोल है, अर्थ भी गोल है, तो एटम भी गोल होना चाहिए। क्या बोला, सन भी गोल है, मून भी गोल है, अर्थ भी गोल है, अंगूर भी गोल है, तरबूज भी गोल है, तो एटम भी गोल होगा। सो दैट इज द रीजन उसने कहा कि भैया सॉलिड स्फेरिकल बॉल के टाइप की शेप होती है। जॉन डोल्टन ने इसको प्रोड्यूस किया था, ठीक है, प्रपोज किया था कि भैया गोल होएगा, अपना एटम भी गोल होएगा, जैसे मतलब धरती गोल, चंदा गोल, सूरज गोल, अंगूर गोल, तरबूज गोल, तो एटम भी गोल। आया सबको समझ में? सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से बोला गया कि भैया एटम गोल होता है, और एक्चुअली किसी भी मैटर का एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये उसने बोला था। बट डोल्टन की थ्योरी को थोड़ा और डीपली समझते हैं, उसने और क्या क्या बकवास बोली। बकवास तो नहीं थी वैसे, बेसिकली सब चीजें बात थी, लेकिन जरा देखो वो क्या कहता था। उसकी पहली चीज ये थी, वो पहली थ्योरी में बोलता था कि भैया एटम एक्चुअली हार्ड होते हैं, एटम डेंस होते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं। सीधी सी बात बोलता था कि एटम हार्ड होते हैं,
एटम डेंस होते हैं, एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं जिनको डिवाइड फर्दर नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या बोलता था, ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ यूनिक काइंड ऑफ एटम। कोई भी एलिमेंट आप पूरी पीरियोडिक टेबल में देखते हो, जैसे कि आप बोलो कि कार्बन, तो कार्बन एलिमेंट के अंदर आपको कार्बन के एटम मिलेंगे। आया समझ में। हाइड्रोजन एलिमेंट में आपको हाइड्रोजन के एटम ही मिलेंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट में आपको ऑक्सीजन के एटम ही मिलेंगे और वो यूनिक होते हैं। आ गया समझ में, ये मतलब निकलता है उसकी सेकेंड चीज का, ठीक है। और जितने भी किसी एलिमेंट में एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मास में भी आइडेंटिकल होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि ये एलिमेंट है, इसमें कार्बन के एटम है, उनके मास भी आइडेंटिकल होते हैं। अगर भाई ये 12 ग्राम पर मोल का है तो ये भी 12 ग्राम पर मोल का, ये भी 12 ग्राम पर मोल का है, तो सबका मास भी सेम है, ये भी बोलता था। इसके अलावा और वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये तो सबको पता है यार, अगर मैं एलिमेंट हाइड्रोजन की बात करूं तो उसमें हाइड्रोजन एटम होएगा, एलिमेंट कार्बन की बात करो तो उसमें कार्बन एटम होएगा, दोनों की प्रॉपर्टी सेम थोड़ी होएगी। समझ में आ गया। सबको पता है कि हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है और कार्बन एक सॉलिड होता है। समझ में आ गया, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो स्टेबल ही है ना। समझ में आया। तो ये उसकी तीसरी चीज उसने प्रपोज की थी कि भैया अब इसमें देखते हो कि बात समझो। हालांकि डोल्टन ने एक बात गलत बोली लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें सही भी बोली थी। उसकी एक ही चीज गलत थी कि वो कहता था कि एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो कि सच नहीं था। चौथी बात क्या बोलता था, चौथी बात ये कहता था कि ऑल द एटम्स इन अ गिवन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक मास। तो पहले भी कह चुके हैं कि अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने कार्बन एलिमेंट की बात करी तो उसमें कार्बन एटम होएंगे। अब जितने भी कार्बन एटम होएंगे सबका मास सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, ये भी उसने बात बोली। फिर वो कहता है कि जो आपके अलग अलग एटम है ना, वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक एटम Na का लिया, एक एटम Cl का लिया, तो एक NaCl फॉर्म हो सकता है। फिक्स रेशियो में दो अलग अलग एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। आगे समझ में। दो फिक्स रेशियो में एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ये भी उसका कहना था, जैसे कि NaCl। फिर वो क्या बोलता था, छठी बात उसकी मेरी बड़ी फेवरेट थी जो बहुत अच्छी बोलता था, वो ये कहता था कि केमिकल रिएक्शन है ना ये सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम का। ऐसा नहीं है कि आपने लिया को छोड़ और निकल को छोड़ रहा है, वो नहीं पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपने घोड़े का रिप्रोडक्शन करवाया और गधा पैदा हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा थोड़ी होगा कि घोड़ा रिप्रोडक्शन किया और फाइनली जब बर्थ हुआ तो गधा पैदा हो गया, या गधे का रिप्रोडक्शन हुआ तो घोड़ा पैदा हो गया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वो कहता है कि भैया देखो, सीधी सी बात है, अगर आपने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने मान लो H2 लिया प्लस O2 लिया और उससे आपने पानी बनाया, H2O बनाया, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। वो कह रहा है कि कभी भी ऐसा थोड़ी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन का कंपाउंड बना देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। दो गधों ने रिएक्ट किया और घोड़ा बन गया, ऐसे नहीं पॉसिबल है। वो कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितना लिया, जितनी मात्रा में लिया, वो सिर्फ अपने आप को रीअरेंज करके मॉलिक्यूल बना रहा होता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है उसकी, रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को। यहां पर दो हाइड्रोजन के एटम है, ये देखो हाइड्रोजन के एटम आपस में बॉन्डेड है, यहां पर ऑक्सीजन के एटम आपस में बॉन्डेड है, जब इससे एक नया कंपाउंड बनेगा H2O, तो बेसिकली वो कर क्या रहे, वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पर नाइट्रोजन बना रहा या सल्फर बना देगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये और बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो वो महान है, ठीक है, इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग भी करते हैं। बैलेंसिंग का रीजन यही होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम सिर्फ रीऑर्गेनाइज होता है, ऐसा नहीं कि कुछ नया पैदा हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस रिएक्शंस, जो न्यूक्लियस रिएक्शंस होती है उनको छोड़ के, क्योंकि न्यूक्लियस रिएक्शन में ऐसा जरूर होता है कि वहां पर कुछ नया आइटम पैदा हो सकता है, लेकिन जनरल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। लेकिन जरा हम लोग चेक करें, जितनी भी बातें उस बंदे ने बोली उसमें कुछ ना कुछ तो कमी थी, इसलिए लोगों ने आगे उस पर रिसर्च करी, आगे नई नई थ्योरियां आई। डोल्टन की थ्योरी में कुछ कमी थी, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या थी, सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो ये कहता था कि भैया जो एटम है उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो कहता था कि एटम डिविजिबल नहीं है, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे जैसे जैसे लोगों ने प्रोग्रेस करी, जैसे जैसे लोगों का दिमाग बढ़ा, उनको ये समझ में आया कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम में स्मॉल पार्टिकल और भी होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, जैसे कि न्यूट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। एटम में प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, सब डिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, सब डिविडेंट होते हैं उसमें। वो झूठ बोल रहा था, वो कहता है कि भैया एटम में कुछ नहीं होता। जब फोड़ के देखा तो पता लगा कि एटम में प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तीन और पार्टिकल होते हैं। आ रहा है समझ में? सो एटम से भी छोटे पार्टिकल अवेलेबल थे। तो वहां पर डोल्टन का थ्योरी पूरी तरह से अपने आप से खत्म हो गया। बोले कि तू झूठ बोलता है, नालायक, कहीं के अच्छे तरह से पढ़ के नहीं आता। आजकल वो मैडम बड़ी फेमस हो रही है ना, कौन से वाली, ऐसे बोलती है ना, चलो बेटा अटेंडेंस दो, डोल्टन तुमने पहली थ्योरी गलत दी थी। तुम आजकल फेसबुक में बहुत फेमस हो रही है वो नंदी, है ना। तो डोल्टन यहाँ पे खराब हो गया था। डोल्टन की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, वो कहता कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं होते, जबकि एटम फर्दर डिवाइड होते हैं और उनके सब छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जिसको प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन पार्ट एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं। वैसे होने को और भी होते हैं पार्टिकल्स, लेकिन ये तीन पार्टिकल मेजर हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि भैया इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ से आया, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसी हुई, क्योंकि चैप्टर की मजेदार चीजें यही है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर मैं आपको एक बात बताऊं, कई चीजें तो आपको पूरी पढ़नी चाहिए ताकि आपको साइंस समझ में आए। तो अब ये देखो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। और एक और बात बता देता हूं, बहुत कम बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिसने की थी उसी के स्टूडेंट ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी और उसी के स्टूडेंट ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। समझो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी सर जे जे थॉमसन ने, तो उसके स्टूडेंट ने प्रोटॉन बनाया, प्रोटॉन की डिस्कवरी की, और उसी के स्टूडेंट ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो ये एक जनरेशन थी जिसने ये करके दिखाया, वो स्टूडेंट थे एक दूसरे के। चलो तो मैं आपको समझाता हूं भैया। अब पहली प्रॉब्लम तो आपको सबको समझ में आ गई कि वो कहता था कि भाई एटम डिविजिबल नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम पर आ जाओ। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त तक जैसे कि हर एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स भी होते हैं, इसके बारे में पता लग गया था कि हर एक, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे जिनके खुद के भाई बहन, मैं आइसोटॉप को भाई बहन कहता हूं, भाई बहन अवेलेबल है, सिबलिंग आइसोटॉप्स। लेकिन डॉल्टन इसके बारे में कुछ नहीं बता पाया था। देखो हाइड्रोजन तीन भाई बहन है। हाइड्रोजन का पहला भाई है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम, जानते हो ना, ड्यूटीरियम, और तीसरा है ट्रिटियम। ये तो जानते हो, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, ये तीन भाई बहन है, ये सिबलिंग्स हैं, इनको आइसोटॉप कहते हैं। इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। पहले का पहला 1 ग्राम का है तो दूसरा 2 ग्राम का है तो तीसरा 3 ग्राम का है। इनके ग्राम यानी कि मास अलग अलग है लेकिन इनका माता पिता सेम ही है। इसके सबका एटॉमिक नंबर एक ही है, 1, 1 एंड 1। तो अगर कोई पूछे कि आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोटॉप बेसिकली एक तरह के ना एक ही एलिमेंट के भाई बहन है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, दीज ऑल थ्री आर सिबलिंग्स, भाई बहन है वो, उनके एटॉमिक नंबर सेम है। लिख लो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट उनके मास नंबर डिफर करते हैं, उनके मास नंबर डिफर करते हैं, डिफरेंट होते हैं। मास नंबर क्या होता है, जो एटम के ऊपर लिखा होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफर करते हैं, इसके बारे में डोल्टन ने कोई जानकारी नहीं दी थी। समझ में आ गया? और एक और प्रॉब्लम थी, वो आइसोबार के बारे में भी कुछ नहीं बता पाया था। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार ऐसे एलिमेंट जिनके मास नंबर सेम होते हैं, मास नंबर सेम होते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑर्गन क्रिप्ट, यहां पर पोटेशियम एंड कैल्शियम, ऑर्गन पोटेशियम और कैल्शियम अगर आप देखोगे तो इनके मास नंबर सेम है, 40 40 40, आई एम नॉट सेइंग 40, इट्स 40। तो ऑर्गन पोटेशियम और कैल्शियम के मास नंबर सेम है, जिनको आइसोबार कहते हैं, मास नंबर सेम है, 40 40 40, ठीक है, ये आइसोबार्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। लेकिन इसके बारे में भी डोल्टन ने कुछ नहीं बताया था। डोल्टन उल्लू का पट्टा था, थोड़ी सी बात बता के चला गया, है ना। तो अब जब डोल्टन ने बात बोली, ठीक है, तो अब डोल्टन ने कहा कि भैया एटम सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, उससे छोटा कुछ नहीं होता, तो लोगों ने मान लिया। ऐसा नहीं था कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन था, लोगों ने कहा ठीक है, इट्स फाइन, डोल्टन कह रहा है बहुत बड़ी हस्ती है, यू नो, बहुत बड़ा आदमी है तो ठीक ही कह रहा होगा, तो उसको लोगों ने मान भी लिया। लेकिन ना कुछ गलतियों से चीजें ऐसे हो गई जिससे ना इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर होने के बाद प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन के डिस्कवर होने के बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया और डोल्टन की बत्ती गुल हो गई। अब आज हमें यही पढ़ना है कि भैया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई,
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री को चेक करो तब समझ में आएगा। तो चलिए मैं तुम्हें पीछे लेके चलता हूं, चलो मेरे साथ पीछे चलो। पीछे मतलब आज से 200-300 साल पहले चलो, 300 नहीं 400 साल पहले चलो, 16वीं-15वीं सदी में चलो। चलो पुरानी चीजों में लेके चलता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले पुरानी सदी में चलने से पहले अभी सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ और आज हम लोग सीआरटी कैथोड रे ट्यूब कहां से आई, ये सब चीजें क्या थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो अब से ठीक 400 साल पहले चलो, 400 साल पहले। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, किसने, डोल्टन की ऐसी तैसी की थी। वो ये दो लोग थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करने वाले, ये दो लोग थे जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है सर जे.जे. थॉमसन का और फिर नाम आता है विलियम क्रूक्स का, ठीक है। इन्होंने ही सीआरटी बनाया था और इन्होंने ही बोला था कि भैया एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल जो एटम बोल रहे हो उसमें एक पार्टिकल और होता है इलेक्ट्रॉन। पर सवाल ये कि इन्होंने कैसे बनाया, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि भैया इन्होंने कैसे बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी कैसे करी, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को सुननी चाहिए। इससे आपकी ना साइंस में समझ बढ़ेगी, साइंस में इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको लगेगा कि वाकई में विज्ञान कोई चीज है यार, लोगों ने बहुत मेहनत की है, नहीं तो आज से 400 साल पहले कुछ था ही नहीं। और अगर वो लोग ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो आज इतनी इतनी फैसिलिटी थोड़ी होती कि आप, मैं अपने घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूं, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो। भाई साहब सीआरटी नहीं होता तो यहां तक नहीं पहुंचते हम, कैथोड रे ट्यूब नहीं होती तो टीवी नहीं होते, टीवी नहीं होते तो यहां तक इतना रेवोल्यूशन भी नहीं आता कि ये सब चीजें बन जाती, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीजें बनी है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि भैया इलेक्ट्रॉन है ना बेसिकली सर जे.जे. थॉमसन ने या फिर विलियमसन क्रूक्स ने बनाया कैसे। तो मैं आपको बताता हूं भाई साहब, ये जो जे.जे. थॉमसन था ना, ये जे.जे. थॉमसन एक्चुअली ना अब डिस्कवरी के बाद इनके नाम के आगे सर सर लगाने लगे थे, भैया इतनी बड़ी डिस्कवरी करी सर 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 सर, लेकिन इसको पहले बोलते थे जे.जे. थॉमसन, ऐसे घूमता था थॉमसन थॉमसन, ऐसे घर पे नाम था थॉमो कम हियर थॉमो। तो इट्स लाइक मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं 400-300-400 साल पहले। तो होता कुछ यूं था 300-400 साल पहले, जब यूएस में, आपको पता है कि यूएस में यानी कि अमेरिका में बहुत बिजली, ऐसे बहुत सारे एरिया जहां पर बिजली गिरती है, गिरती है ना, बहुत बिजली गिरती है, थंडर होता है एकदम, बिजली गिरती है। तो जब बिजली गिरती थी ना तो ये जो प्रीस्ट लोग होते हैं, पादरी लोग, ये जो यू नो ये जो पंडित लोग होते हैं, प्रीस्ट लोग होते हैं, वो ना इस बिजली गिरने का फायदा उठाते थे। वो क्या कहते थे, देखो भगवान को गुस्सा आ रहा है, भगवान एंग्री है, भगवान को गुस्सा आ रहा है, ऐसे बोलते थे, गॉड इज एंग्री, गॉड इज गिविंग यू डर, समझ में आ रहा है। सो वो इतना ऐसे बोलते थे, देखो भगवान गुस्सा कर रहा है। तो अब ये ना, अब वहां पर ना दो तरह के लोग थे, वहां पर दो तरह के लोग कैसे, एक तरह के ऐसे लोग थे तो भगवान पे विश्वास करते थे तो वो पादरियों पे विश्वास करते थे। पादरी कहता था देखो भगवान गुस्सा हो रहे हैं, तो वो हो ऐसे ऐसे करने लगता, हाथ जोड़ने लग जाते, हो सही बात है भगवान गुस्सा हो रहे हैं। फिर वो कहते थे लाओ लाओ कुछ दो भगवान को शांत करने के लिए, फिर वो ठगते थे लोगों को। लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी भी थी, विज्ञान साइंस वाली कम्युनिटी, वो कहती बकवास बातें हैं ये एक फिजिकल फिनोमिना है, ये एक साइंस एक विज्ञान का फिनोमिना है, ऐसे करके ना लोग, मतलब लोग ना बेसिकली ऐसी कम्युनिटी भी थी जो पादरी के खिलाफ थी, कहती थी बकवास करते हैं पादरी लोग, ऐसी झूठ बोलते हैं, ठगते हैं तुम्हें पैसों के लिए, बोलते हैं कि ये देखो भगवान गुस्सा हो रहा है, ऐसा थोड़ी है, ये एक बिजली है, ये एक फिजिकल फिनोमिना है, ये अपन लैब में भी कर सकते हैं, समझो, कहते ये फिजिकल फिनोमिना है, ये लैब में भी कर सकते हैं अपन। तो जब ये एक, अब ना आमने सामने खड़े हो गए साइंस कम्युनिटी और ये जो प्रीस्ट वाली कम्युनिटी आमने सामने। प्रीस्ट पादरी क्या कहते हैं, तुम बहुत शाणे बन रहे हो, अगर तुम कहते हो कि तुम ये लैब में कर सकते हो तो करके दिखाओ, तुम भैया हमारे हिसाब से तो कौन कर सकता है ये, सिर्फ भगवान, भगवान को गुस्सा आ रहा है तो बिजली चमक रही है। अब विज्ञान वाले कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, ये बिजली का चमकना, ये जो थंडर हो रहा है बेसिकली वो कोई भगवान नहीं कर रहा है, ये फिजिकल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है और ये अपन लैब में भी कर सकते हैं। तो पादरी क्या कहते हैं, तुम करके दिखा दो लैब में, हम तुम्हें भगवान मान लेंगे। पादरी क्या कहते हैं, तुम करके दिखा दो, इतने होशियार बन रहे हो, ये तुम ये विज्ञान है, इतना बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी फेंक रहे हो तुम लोग, तुम इतने शाणे बन रहे हो, तुम करके दिखा दो, आ रहे हैं समझ में। तो तब कहानी शुरू होती है। अब ना ये बात है ना, जो ये पादरी की बात जब बहस चल रही थी पादरी और बाकी साइंस लोगों, साइंस वाले विज्ञान के लोगों के बीच में, तो वहां पर जे.जे. थॉमसन भी थे, तो उन्होंने सुना ये बात कहानी कि भैया पादरी कह रहा है कि भैया करके दिखाओ, अगर तुम करके दिखा दो तुम्हें भगवान मान लेंगे। तो जे.जे. थॉमसन ने सुन ली, जे.जे. थॉमसन कहता है ठीक है भाई हम करके दिखाते हैं तुम्हें, समझ में आ रहा है। जे.जे. थॉमसन क्या कहते हैं,
जेजे थॉमसन ने ये बात ठान ली कि जो ये जो थंडर का फिनोमिना है, ये जो इलेक्ट्रिक, ये जो बिजली चमक रही है वो मैं करके दिखाऊंगा। तो ना फिर उस बंदे ने अपनी कहानी शुरू करी, उसने दिमाग लगाना शुरू किया। सर जेजे थॉमसन ने क्या किया, दिमाग लगाना शुरू किया, बोले ठीक है आई एक्सेप्ट दी चैलेंज। मतलब बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया था, जिसमें जेजे थॉमसन ने भी एक्सेप्ट किया था, बोले कि ठीक है मैं करके दिखाऊंगा, तुम्हें गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो उसने सोचा कि जो ऊपर से बिजली गिरती है वो कैसे गिरती है, उसने सवाल सोचा, दिमाग लगाना शुरू किया, किताबें उठाई, स्टडी की, बिजली कैसे गिरती है, बिजली बनती कैसे है। तो उसने एक बात चेक करी, क्या बात चेक करी, सबसे पहले तो बिजली बहुत ऊपर वैक्यूम में, ऊपर स्पेस में जाके बन रही है, वहीं से तो चमक के नीचे गिर रही है, आ रहा है समझ में, बन तो वहीं रही है ना, बन से नीचे गिर रही है। तो बेसिकली उसके लिए उसने सोचा कि भैया ऐसा है कि उसके लिए हमें ना वैक्यूम चाहिए। पहली चीज तो एक ऐसा एरिया बनाना पड़ेगा जिसमें वैक्यूम हो, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हो ना वैक्यूम क्रिएट होने लगता है, ये तो आपको पता है। दूसरा उसने सोचा कि अच्छा जहां पे ये हो रहा है फिनोमिना, जहां पर भी फिनोमिना है वहां पर किस तरह की गैसेज अवेलेबल है, वहां पर इनर्ट गैसेज अवेलेबल है, जहां पर ये बिजली पैदा हो रही है वहां पर किस तरह की गैसेज अवेलेबल है, वहां पर ऑक्सीजन CO2 ये अवेलेबल नहीं है, नाइट्रोजन, ये तो डेंस गैस है जो नीचे है। आपकी बिजली जहां पर बन रही है, जिन बादलों में बिजली बनती है, वो बेसिकली अगर वहां पर गैसेस की स्टडी करोगे तो वहां पर आप लोगों को इनर्ट गैसेस मिलेंगी, जैसे कि हीलियम। तब आप लोगों का गौर गया कि वाकई में हीलियम, इसकी हीलियम की जरूरत है, वैक्यूम की जरूरत है। और तब तक क्या हुआ था, तब तक हमारे जो फेराडे साहब थे, फेराडे जानते हो, फेराडे लो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कल परसों ही, ठीक है। फेराडे साहब ने तब तक एक्चुअली डीसी बैटरियां बना ली थी। डीसी बैटरियां मतलब उसने दो रोड ली ऐसे ऐसे ऐसे, उसको हाथ लगा ऐसे करता था ना, एक रोड को दूसरे रोड से जब ऐसे करता था तो बिजली चमकती थी एकदम, वो क्या चमक चमक सी बाहर निकलती थी। जब एक प्लस की रोड को माइनस की रोड से जब ऐसे टच करते थे तो तब इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती थी। तो तब तक ये हो गया था। तो जेजे थॉमसन को पता था कि ऐसा सब कुछ हो सकता है और मैं वैक्यूम क्रिएट करके मैं भी बिजली पैदा कर सकता हूं, मैं भी ये जो थंडर है उसको मैं लैब में बना सकता हूं। तो उस बंदे ने क्या किया, दिमाग लगाना शुरू किया। उसने क्या किया, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने सबसे पहले ना एक दिखाने के लिए कांच की ट्यूब ली, क्योंकि दिखाना भी तो पड़ेगा, तो उसने कांच की एक ट्यूब ली ऐसे, ठीक है। उस कांच की ट्यूब में उसने क्या किया, यहां पर उसने वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, यहां से एक वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, ताकि सारी गैस को, अधिकतर गैस को बाहर निकाला जा सके, उसने ये भी चेक किया कि जहां पर थंडर क्रिएट हो रहा है ना वहां पर प्रेशर, एक्चुअली प्रेशर बहुत ही कम है। गैस का प्रेशर कहाँ है, नीचे की तरफ है ना, ATM आपके आसपास है, ऊपर जाते हो प्रेशर कम होने लगता है, ये तो पता है ना। तो प्रेशर बहुत ही कम है, ये चेक किया। वहां पर इनर्ट गैसेस है, ये चेक किया। वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करी, आ रहा है समझ में। और साथ में क्या किया, उसने फेराडे से डीसी बैटरी ली, यहां पर दो कैथोड की रोड लगा दी भाई साहब ने, कैथोड की रोड लगा के यहां पर डीसी बैटरी लगाई, पहली बार में 10,000 वोल्ट की डीसी बैटरी लगाई ऐसे करके, है ना, कैथोड की। अब उसने ये दिमाग क्यों लगाया, क्योंकि उसको पता था एक बात का कि जब एक रोड को दूसरे रोड से टच कर रहे हो तो स्पार्किंग हो रही है, चिंगारियां निकल रही हैं। अब सिर्फ मुझे इतना दिखाना है बिजली, ये जो थंडर है वो पैदा करके दिखानी है। तो उसने क्या किया, मैं टच नहीं करूंगा। उसने दो रोड को बिल्कुल सेपरेट रखा और उसके बीच में वैक्यूम क्रिएट करके रखा, और उसमें ज्यादा जो गैस भरी वो इनर्ट गैस थी, क्योंकि उसने वो एनवायरमेंट पैदा करने की कोशिश करी जो ऊपर है जहां पर थंडर हो रहा है, और यहां पर हाई वोल्टेज अप्लाई करी उसने, हाई वोल्टेज मतलब 10,000 वोल्ट इनिशियली अप्लाई किया था। उसने दो इलेक्ट्रोड की रोड लगाई, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, वो वैक्यूम क्रिएट किया, प्रेशर को कम करने की कोशिश करी, और जब 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई तो भाई साहब जो हुआ वो देखने लायक था। यहां से क्या हुआ, एक रे निकली, और जो रे एक्चुअली कहां से कहां जा रही थी, एक्चुअली ये देखो बैटरी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी, मैं थोड़ा सा उल्टा बना दिया इसको, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और बेसिकली जब उसने कनेक्ट किया तो यहां पर उसको ये रेज निकलती हुई थंडर के जैसे दिखाई देने लगी। उसने कहा ले भैया काम हो गया अपना, तो मतलब उसने तब जाके उनको पादरियों को गलत प्रूफ करने के लिए किया था। फिर उसने पादरियों को बुलाया, बेटा तुम आ जाओ तुम्हारे पाद निकालते हैं। सो बेसिकली पादरियों को इकट्ठा कर लिया, पादरी इकट्ठा करने के बाद बोले बैठ जाओ तुम, और अब देखो तुम लोग मेरी बात ध्यान से। अब उसने क्या किया, 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई, और उसके बाद उसने एक वैक्यूम क्रिएट किया, और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद क्या किया, चला के दिखाया तो वहां पर थंडर पैदा हो रहा, थंडर पैदा हो रहा। सब हैरान, बड़ा ये क्या हो गया। तो उसने उसके बाद एक लाइन बोली था पादरियों को, क्या बोलता है,
कहता है भाइयों, जैसा कि तुम लोगों ने कहा था कि ये काम सिर्फ भगवान करता है, समझ में आ गया, जैसा कि तुम लोगों ने कहा था कि ये काम सिर्फ भगवान करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का काम सिर्फ भगवान करता है, ये काम मैंने करके दिखाया है, आज से मैं तुम्हारा भगवान हुआ। मतलब समझो, कहते हैं नाउ आई एम द गॉड फॉर ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है, इतनी बड़ी बात बोल दी, बड़े बहुत शाणे हो तुम लोग। हाँ, तो बेसिकली एट दैट टाइम जब उसने ये सारा का सारा सेटअप बनाया, जिसको बाद में वो सीआरटी बोलते थे, अभी तो कोई नाम नहीं रखा था, अभी तक कुछ नाम नहीं रखा उसने, बस एक कांच का ट्यूब लिया, उसमें वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करी, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, उसको बैटरी से कनेक्ट किया और वहां से बिजली एकदम से कड़की वेव्स जाती हुई दिखाई दी, और तब उसने बोला भैया देखो जो तुम ऊपर देखते हो मैं तुम्हें लैब में दिखा रहा हूं, आज से मैं भगवान, आई एम द गॉड, समझ में आ रहा है। तो वो कहता है भैया अब मैं भगवान हुआ, आई एम द गॉड, सबको समझ में आ गया। बट वो तब से उसको लोग क्या पुलाने लग गए, तब से उसको बोलते थे सर जे जे थॉमसन, क्या बोलने लग गए, सर जे जे थॉमसन। लेकिन उसके बाद उसका दिमाग खनका, वो उसके बाद उसका दिमाग खनकने लग गया। जब आदमी को कुछ मिल जाता है ना सर्च करने को, तो उसका दिमाग और तेजी से भागने लगता है, उसको सोचता है, उसने क्या सोचा पता है, सर जे जे थॉमसन ने सोचा कि भैया ये जो रेज निकल रही है, जो रेज निकल रही है उसको मैं स्टडी करना चाहता हूं, क्या है ये रे, किससे बनी है, क्या है ये, सब पता करना चाहता था वो आदमी, वो जानना चाहता था कि इन रेज में क्या है। भगवान तो लोगों ने मान लिया, लेकिन वो आगे रिसर्च करना चाहता था। जब उसने ये सारा सेटअप बना लिया तो वो ये जानना चाहता था कि एक्चुअली दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो ये वेव पैदा हो रही है, जो ये रे पैदा हो रही है, एक्चुअली ये है क्या, समझ रहे हो। तो अब उसने असली एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, तब जाके आप देखना ध्यान से समझना, अब उसने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। तो अब जो एक्सपेरिमेंट वो करने जा रहा है उनको आप ध्यान से देखना। तो अभी तक उसको लोगों ने भगवान मान लिया, भैया तुम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो, तुम बिजली पैदा कर सकते हो, तुम भगवान हो, ठीक है। उसने पूरा सेटअप तैयार कर दिया, उसने यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगाए, ध्यान से समझना, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, बैटरी लगा दी, 10,000 वोल्ट की बैटरी पहली बार में कनेक्ट की थी, उसमें लो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश किया, क्यों, क्योंकि बिजली जहां पैदा होती है वहां प्रेशर कम होता है, इनर्ट गैस भरा इसके अंदर, वैक्यूम क्रिएट करा, सारा सेटअप कर लिया। पर अब वो कुछ जानना चाहता था कि जो रेज है बेसिकली वो कहां से निकल रही है, ये रेज किसकी बनी है, क्या है इन रेज के अंदर, ये सारी चीज वो जानना चाहता था। उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, जो अब वो करने जा रहा है उसको आप लोग ध्यान से देखना, हुआ क्या जरा आप चेक करना, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जरा देखो। वो एक्सपेरिमेंट करने लगा, उसने सबसे पहले क्या किया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सबसे पहले उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी ये 10,000 वोल्ट, क्या था, 10,000 वोल्ट, ये बहुत ज्यादा थे भाई साहब। आपको पता है ना कि आपके यहां पर बिजली घर में आती है 220 वोल्ट की, आपको ये पता होगा कि 220 वोल्ट में भी आपको बहुत जोर से झटका लगता है, कभी तार को हाथ लगाए हो, कभी तार को हाथ लगाए हो, इतनी जोर से झटका लगता है कि बम बम बोले हो जाता है। तो 220 वोल्ट में जब इतना झटका लगता है, तो 10,000 वोल्ट में गलती से भी अगर झटका लग गया तो जे जे थॉमसन की ऐशी की तैसी। तो इन दैट केस उसने सोचा कि यार पहले इस वोल्टेज को कम किया जाए, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा है, और अगर बैटरी अगर लो हो गई तो इतना मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा। तो उसने क्या किया, इसका जुगाड़ ढूंढा, सबसे पहले इस बैटरी को 10,000 वोल्ट को कम करने की कोशिश करी। उसने उसके लिए क्या किया, उसने क्या किया, बोला कि मुझे तो अब एक्सपेरिमेंट ही करना है, दुनिया को मैंने दिखा लिया, मैं क्या करूंगा दिखा के। तो इन दैट केस उसने क्या किया, सबसे पहले तो कैथोड और एनोड, ये जो दो इलेक्ट्रोड लगाए थे उनके बीच की डिस्टेंस को उसने कम कर दिया, बीच की डिस्टेंस को उसने कम कर दिया। दूसरा उसने ये जाना कि इनर्ट गैस भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो उसने हीलियम के केस में चेक किया कि हीलियम के केस में आपको ये फिनोमिना बहुत ही कम वोल्टेज में मिल रहा है। तो यहां पर उसने क्या किया, बीच की दूरी कम कर दी, प्रेशर को और कम कर दिया, हीलियम गैस को यूज करने लगा, तो उससे आपके 10,000 वोल्ट घटके उसके कितने हो गए, 2,000 या 3,000 वोल्ट पर वो चला गया। पहला काम उसने ये करा। फिर अब वो क्या करता है, उसके गले में ना, क्योंकि वो ईसाई थे सर जे जे थॉमसन, तो उनके गले में ना एक लॉकेट पहना हुआ था। सबको पता है कि ईसाई कैसा लॉकेट पहनते हैं, आप जानते हो ना कि ईसाई कैसा लॉकेट पहनते हैं, ईसाई ऐसा लॉकेट पहनते हैं, तो पता होगा आप लोगों को ईसाई ऐसा लॉकेट पहनते हैं, क्रिश्चियन लोग पहनते हैं। अब उसने ना उसने दिमाग लगाया, उसने वो जो लॉकेट पहना हुआ था वो उसने माउंट कर दिया, कहां पे, ये देखो ये लॉकेट है ना, ये लॉकेट माउंट कर दिया अपनी उस ट्यूब के अंदर, ध्यान से देखना, ये लॉकेट को उन्होंने माउंट कर दिया ट्यूब के अंदर, ऐसा करके ध्यान से देखो इनको, ये लॉकेट उन्होंने माउंट कर दिया ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब वो ये जानना चाहते थे कि एक्चुअली ये जो बेसिकली ये जो रे आ रही है वो कहां से आ रही है,
फिर से उन्होंने ट्यूब ली, एक इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, दूसरे इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। समझ में आ गया? अब फिर उन्होंने सेटअप को चालू किया, सेटअप चालू किया तो उनके मजे की बात नजर आई। क्या नजर आई पता है? उनको यह दिखा कि उनका जो लोकेट था उसकी परछाई एक्चुअली एनोड यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड पे पड़ रही थी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर ये देखो, ये पूरी ट्यूब है, सपोज करो ये पूरी ट्यूब है, ठीक है। इस पूरी ट्यूब में ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से जोड़ दिया ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहां पर उन्होंने अपना लोकेट माउंट कर दिया लोकेट माउंट। और अब वो चेक करना चाहते थे कि वो रे आ कहां से रही है। तो लोकेट जब माउंट किया तो उनको ये दिखा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना उसके ऊपर उस लोकेट की परछाई दिखाई दे रही थी। जरा समझो, जो पॉजिटिव टर्मिनल था उस पे लॉकेट की परछाई दिखाई दे रही थी। तो उसे क्या समझ में आया? अब आप खुद से सोचो, अगर आपको अपनी परछाई पीछे दिखाई दे रही है तो इसका मतलब सनरे सामने से आ रही है, ये तो मतलब निकलता है। जब आपको इस लॉकेट की परछाई पीछे दिखाई दे रही है इसका मतलब रे सामने से आ रही है। तो इसने सबसे पहले इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जो रेज निकल के आ रही हैं, जो थंडर पैदा हो रहा है बेसिकली, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हो रहा है, जिसको फेराडे कैथोड बोलता था। क्या बोलता था? कैथोड बोलता था। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को फेराडे ने कैथोड नाम दिया था, और एक्चुअली ये रेज कैथोड से पैदा हो रही थी। तो इस पूरी ट्यूब को तब उसने नाम दिया कैथोड रे ट्यूब। क्या बोला उसने? कैथोड रे ट्यूब। ऐसे नामकरण हुआ। बहुत कम बच्चों को पता है इसका नामकरण कैसे हुआ। इसका नामकरण ऐसे हुआ, उसने अपना लॉकेट निकाला, लॉकेट को माउंट किया, माउंट करने के बाद उसको जब सेटअप को चालू किया तो वो लॉकेट की परछाई जो है एनोड पे दिखी। तो इसका मतलब उसने सेंस लगाया कि कैथोड से रेज आ रही है, तभी तो एनोड पे उसकी परछाई दिख रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया कैथोड से रे निकल रही है, तब जाके उसने इसका नाम रखा कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम रखा? कैथोड रे ट्यूब। तो पहले एक्सपेरिमेंट में उसने नाम रख दिया कैथोड रे ट्यूब। किस किस को समझ में आया कि सीआरटी नाम कैसे पड़ा? सीआरटी नाम तो बाद में दिया गया, कैथोड नाम फेराडे दे चुका था, लेकिन इसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब क्यों बोलते हैं, ये सर जे.जे. थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट से सामने आया था। अब जिस जिसको समझ में आ गया वो बोलो कि यस सर, मुझे समझ में आ गया, बल्ले बल्ले, मुझे मालूम पड़ गया कि सीआरटी क्या होती है। किस किस को समझ में आ गया जल्दी से बताओ, जिस चीज को समझ में आ गया। अब यहां से हम अगली बार जब आएंगे तो बाकी एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे कि भैया यहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, अभी तक मैंने ये बताया कि सीआरटी का नाम कैसे पड़ा, अभी तक ये बताया कि सीआरटी होता क्या है, बस सिर्फ यही बताया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं बताई है। प्यार से लाइक कर देना। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को शुरू करते हैं, विजुअलाइज कराता हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो भैया ऐसा है कि डोल्टन भाई साहब ने कहा था कि जो एटम बेसिकली इंडिविजुअल पार्टिकल है किसी भी मैटर का, लेकिन सच तो नहीं था, सच नहीं था। उसके पीछे पीछे के लॉजिक और रीजन ये थे कि एटम को आपने फर्दर डिवाइड कर दिया था, है ना, आपने एटम को फर्दर डिवाइड कर दिया था, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम के। सो एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें नाम क्या था, एक का नाम था इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम था प्रोटॉन, और तीसरे का नाम था न्यूट्रॉन। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को सर जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को न्यूक्लियस में डिस्कवर रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन को, मैं अपनी स्टेटमेंट को ढंग से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रोटॉन को न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है कैसे क्या किया, बट हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म सेशन देखें तो उसमें मिल जाएगा। मजे की बात बताता हूँ, सर जे.जे. थॉमसन का स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक, मतलब एक दूसरे के स्टूडेंट थे ये, और तीनों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब अपनी अपनी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इनके बारे में। तो अगर आप लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो वो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब से हुई थी, ये तो आपको पता ही है। कैथोड रे ट्यूब से हम जो सर जे.जे. थॉमसन है उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली डिस्कवर किया था। हुआ कुछ यूं था, एंशियंट टाइम पे सब लोग बोलते, जब बिजली चमकती थी तो सब बोलते थे कि भैया ये जो बिजली का बिजली जो चमक रही है बेसिकली वो भगवान नाराज हो गए हैं, तो ऐसा करके वो लोगों को डराया करते थे। तो ये लोग जो नास्तिक थे, जो साइंस में बिलीव करते, वो कहते हैं भैया ये सब फालतू बातें हैं, और ये जो ऊपर ये जो बिजली चमक रही है उसको हम लोग अपनी लेबोरेटरी में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइनली सीआरटी को बनाया गया,
और यहाँ से कैथोड से कैथोड वेव्स निकली और जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाला फिनोमिना लैब में भी करवाया गया। बाद में पता लगा कि कैथोड से जो रेज निकल रही हैं और एक्चुअली वो क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है जिनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो फाइनली इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधी एक ही बात जान लो आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया हमारे सर जे.जे. थॉमसन ने। फिर आती है प्रोटॉन की बारी। प्रोटॉन को भी क्या किया, जरा आप देखो एटम कंप्लीटली क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट प्रोटॉन का आया कहाँ से। देखो एटम होता है न्यूट्रल, और अगर आप सर जे.जे. थॉमसन बोलते हैं कि भैया उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑब्वियसली उसके बराबर मात्रा में प्रोटॉन भी होने चाहिए। लेकिन ना अगर हम लोग बोले कि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रूफ किया गया था, तो प्रोटॉन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उनके प्रूफ नहीं किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं था, एक यू नो एक 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 होल वाली यहाँ पर एक होल वाली क्या की गई थी, इलेक्ट्रोड को लगाया गया था, एक होल वाले इलेक्ट्रोड को लगाया गया था। तो कैथोड से जो वेव्स जो रेज निकल रही थी तो वो अंदर वाले पार्टिकल से इस एयर के पार्टिकल को टकराती थी, टकराने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन को वो बाहर फेंक देती थी। तो पीछे क्या होता था, पीछे प्रोटॉन, भाई ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जैसे हीलियम लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, तो हाइड्रोजन गैस में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अगर किसी की टक्कर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पीछे प्रोटॉन बचेगा, तो बेसिकली एच प्लस को ही प्रोटॉन कहा जाता है, और प्रोटॉन की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और यहां से H+ के जो एलिमेंट थे वही जा रहे थे कहां पर, कैथोड की तरफ। पॉजिटिव वाले कहां जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो बस वही नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो कि कैसी थी, छेद वाली, होल्स वाली एक प्लेट ली गई थी, तो वहां से हमें वो और वो प्लेट जो थी वो चमकने लग गई थी। तो वहां से पर उनको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सके थे, ओवरऑल प्रोटॉन की कोई एग्जिस्टेंस की प्रूव नहीं है, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है और एटम न्यूट्रल होता है तो प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस को आपको मानना पड़ेगा। बट ओवरऑल प्रोटॉन के लिए भी सीआरटी को यूज किया गया था उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। और जिसको प्रूव एक्चुअली न्यूक्लियस में होता है, किसने प्रूव किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी बहुत ही लाजवाब थी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली जेम्स चैडविक ने की थी। हालांकि वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं कर रहा था, वो अल्फा पार्टिकल से बचने का कुछ जुगाड़ ढूंढ रहा था। बट जब बहुत रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन किसी भी मेटल की प्लेट पे डाल रहे थे, तो उस मेटल की प्लेट से एनर्जी को गेन करने के बाद, मतलब वो वेव से एनर्जी को गेन करने के बाद, ये जो बेरिलियम के जो पार्टिकल, बेरिलियम की जो मेटल प्लेट थी, तो कुछ पार्टिकल को बाहर फेंक रही थी। अब वो जो पार्टिकल थे बेसिकली वो ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो उनको एक नाम दिया कि भैया एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, तब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया गया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्टमेंट की वजह से न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुई, ऐसे कुछ नहीं था कि हम लोगों को न्यूट्रॉन डिस्कवर करना था। तो ओवरऑल तीन पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पूछा गया भैया इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो ये एटम के अंदर रहते कैसे हैं। जैसे आपको बोले कि आपके घर के अंदर कितने भाई बहन है, तो बोले कि मम्मी है, पापा है और मैं हूं, तो तीनों लोग रहते कहाँ हो। तो वैसे ये सवाल उनसे भी पूछेंगे, भैया इलेक्ट्रॉन किधर रहता है, प्रोटॉन किधर रहता है, न्यूट्रॉन किधर रहता है। तो सबसे पहले ये सवाल पूछा गया था सर जे.जे. थॉमसन से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने बोला, उनके हाथ में क्या था उस टाइम पे, वो शायद तरबूज खा रहे होंगे, तो तरबूज खाते खाते उनसे पूछा कि हाँ अंकल जी, ऐसा राजस्थानी बोलते हैं ना, हाँ अंकल जी, थे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करियो, अच्छा थे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करियो, तो बता दो इलेक्ट्रॉन कटा रहे राजस्थानी आप लोगों के सर क्या हो गया। तो बेसिकली क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया सर जे.जे. थॉमसन ने, तो उनसे सवाल पूछा कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं, तो वो तरबूज खा रहे थे उस टाइम पे रेडी पे खड़े खड़े। तो उन्होंने तरबूज को देखा और तरबूज को देखते हुए बोले कि भैया देखो ऐसा तरबूज के जैसा होएगा। तो तरबूज में क्या होता है, तरबूज अगर आपने देखा वाटरमेलन, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। सो इन दैट केस बोला, जो तरबूज के जो बाहरी पार्ट होता है हरा हरा, उसको बोला वो न्यूट्रॉन की परत है, ठीक है। और उसके अंदर जो बीज होते हैं बेसिकली, वो जो बीज है काले काले, उनको क्या बोला उसने, उनको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है। और जो रेड कलर की पल्प पल्प होती है, वो बोला कि वो प्रोटॉन है। और काफी काफी सालों तक ये मॉडल जो है, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, केक पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ऐसा देखो ऊपर की लेयर है उसको उसने बोला कि भैया न्यूट्रॉन है, अंदर की व्हाइट ये जो येलो लेयर है उसको बोला कि ये तो भैया प्रोटॉन है, और ये जो आपको छोटे छोटे से यू नो चकी चिप्स दिख रहे हैं ना, चॉकलेट चिप्स, तो उनको बोला कि इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल काफी सालों तक चला, लेकिन ये गलत था। इसको गलत साबित किसने किया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड कहता है फालतू की बकवास है, हालांकि वो ये कहना नहीं चाहता था कि ये फालतू की बकवास है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट उसके स्टूडेंट कर रहे थे उसके बाद जो कंक्लूजन निकल गया वो धांसू था। बेसिकली रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट भी यही पता करने की कोशिश कर रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल है उनसे बचे कैसे। तो उन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया था, ये लेड का एक बॉक्स था और वहां से
कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्टमेंट हो रही थी, एक गोल्ड की फॉइल उन्होंने लगाई थी। बाद में पता लगा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो सीधे ही निकल गए, कुछ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए। सीधे निकल गए तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो आपका एटम है वो मतलब बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है उसमें, क्योंकि कोई चीज सीधे निकल जाएगी इसका मतलब उसमें कुछ नहीं है, तो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जे जे थॉमसन तो पागल बना रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भैया ये तो पूरा तरबूज के जैसा है, जबकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट यहाँ पता ऐसे लग रहा था कि भैया सारे पार्टिकल तो सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब एटम का जो बहुत सारा एरिया वो एम्प्टी है। लेकिन कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे थे इस तरह से, और कुछ पार्टिकल क्या थे, कुछ पार्टिकल बेसिकली पूरे 180 डिग्री से घूम के वापस आ रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उनको लगा कि यार ये क्या है। तो तब उनको समझ में आया कि भैया फाइनली उन्होंने कहा कि पूरा एटम वैसे तो खाली है, पूरा एटम वैसे तो खाली है, लेकिन उसके बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसका एरिया बहुत कम है, ठीक है, और वो एरिया वो जगह कुछ ऐसी है कि उसमें पूरे प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, और वो मासी भी बहुत है। मासी मतलब वो हिंदी वाली मासी नहीं, इंग्लिश वाली मासी। मासी मतलब उसमें टोटल एटम का मास लाई करता है। तो बोला वो बहुत ज्यादा मासी है, तो जो भी पार्टिकल इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब वापस घूम के आ जाएगा। तो तभी उन्होंने बोला कि भैया देखो एटम पूरा खाली होता है, लेकिन उसके सेंटर पॉइंट पे एक न्यूक्लियाई होता है, और उस न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो तब जाके उन्होंने बोला कि भैया प्रोटॉन किधर रहते हैं, न्यूट्रॉन किधर रहते हैं, वो न्यूक्लियाई के अंदर रहते हैं, रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन और बोले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूमता है, ये ऐसे ही घूमता है जैसे कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल दिया। पहले तो एटम को गोल क्यों बताया, तो गोल इसलिए बताया कि सूरज गोल होता है, नेचुरली जो भी चीज होती है वो गोल होती है। सूरज गोल, चंदा गोल, समझ में आ रहा है, धरती गोल, तो एटम भी गोल, समझ में आ रहा है। पहली चीज तो ये बताई। दूसरा, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर वैसे ही काटता है जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काटती है एक ऑर्बिट के अंदर। तो यहां पर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट निकल के आया। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये सब ह्यूमन माइंड से निकली हुई चीजें हैं, आ रहा है समझ में, ये सब सोच है, अंदर जाके तो किसी ने देखा नहीं है। बट हाँ, जैसे ब्रह्मांड में होता है, मतलब मैक्रो लेवल पे जो हो रहा है वही मैक्रो लेवल पे हो रहा होगा ऐसा बोला गया। लेकिन रदरफोर्ड का जो बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सब वहां पर बोहर साहब बैठे थे, जब रदरफोर्ड ये सब बातें बता रहा था तो बोहर ने बोला कि तुम क्या बातें कर रहे हो। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और ये एक चार्ज बॉडी है जो कि प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रही है, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, एनर्जी को लूज करना शुरू नहीं कर देगा। तो वो क्यों बोला, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के रिस्पेक्ट में जब मूव करती है तो वो एनर्जी को रिलीज करती है। तो ये कह रहा था कि प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, समझ में आता है, तो तुम्हारी थ्योरी तो गलत हो गई। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। तब रदरफोर्ड ने हार मान ली थी। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूं। ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी सर जे जे थॉमसन ने, ठीक बात है, लेकिन अब डिस्कवरी से तो कुछ नहीं होता। डिस्कवर करने के बाद उन्होंने बोला कि भैया नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होते तो भैया चार्ज तो बता दो, ये तो बताओ कि चार्ज कितना होता है। तो वो चार्ज बताने का काम सर जे जे थॉमसन नहीं कर पाए थे, वो सिर्फ चार्ज बाय मास रेशो बता पाए थे जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो अभी ये चार्ज बताने का काम किसने किया, ये किया मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने। ये वो इंसान थे जिन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था, इनका नाम है रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन। ये जो आपको दिख रहा है ना, बहुत ही बढ़िया इंसान, अच्छी सी फोटो में, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को डिस्कवर किया था। और इसके लिए उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, डिस्कस अबाउट दैट। वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मतलब आपके ना इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने एक सेटअप तैयार किया, जो सेटअप आपको दिख रहा है मैं उसको थोड़ा सा समझाता हूं, कई लोगों को लगता है ये क्या है। तो आई विल टेल यू, ये सेटअप उन्होंने तैयार किया। सेटअप के लिए क्या, आप इसको चौरस भी बना सकते हो, ये जो है ना, ये जो रेक्टेंगल टाइप का बना सकते हो, वो गोल भी बना सकते हो। तो उन्होंने कैसे बना लो, देखो पूरा सेटअप देखना है आपको ओवरऑल। तो यहां पर सपोज करो कि ये मेरे पास, मैं आपको बना के दिखाता हूं कि ये मेरे पास एक टैंक है, इस तरह से एक टैंक है, ठीक है। सो ये टैंक है हमारे पास, ये दिख रहा है सब लोगों को, और साथ में क्या है ना, इस टैंक में बीच में मैंने क्या किया, बीच में एक लेयर मैंने और लगा दी ऐसे, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया उसको बीच में एक लेयर, मतलब ये अपर पार्ट अलग है लोअर पार्ट अलग है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो बीच में ना उसमें छोटा सा छेद कर दिया यहाँ पे, एक छोटा सा होल, तो ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये बीच में एक लेयर है, दिख रही है, अब उसमें एक छोटा सा छेद है, एक छोटा सा होल। अब यहां पर क्या किया उन्होंने, ऊपर की तरफ यहां पर स्प्रे लगा दिया, ठीक है,
एक्सटिंग्विशर, मतलब उसको बोलेंगे अपन स्प्रे। तो जैसे इसको आपने देखा होगा ना, कई बार आपने वो देखा है, आपने कभी दूध बेचने वाले आते थे पुराने जमाने में साइकिल के ऊपर, वो पीछे लगा के आते थे तो रबड़ की वजह से दबाते थे पोम पोम, तो आवाज निकलती थी। तो यहां पर है ना आवाज नहीं निकलेगी, बदले उसके उन्होंने क्या किया, ये दबाने वाला इस तरह से प्रेस करने वाला एक रबड़ है, यू पोम पोम करेंगे उससे क्या होएगा, यहां पर है ना उन्होंने एक ना एक यू इस तरह से एक जार लगा दिया। इस जार के अंदर उन्होंने क्या ऑयल भर दिया। सो ये ऑयल है जो आपको रेड रेड दिख रहा है, एक्चुअली वो ऑयल है, ठीक है, ये ऑयल है। अब जैसे आप खुद से सोच के देखो, अगर आप लोगों ने पॉम पॉम ऐसे करके स्प्रे किया तो ये जितने भी ऑयल की ड्रॉप्स होंगी वो उनकी उसकी वो छांटन पड़ेगी, राजस्थानी में छांटन बोलते हैं, तो वो बेसिकली स्प्रे होके बाहर निकलेगी। सीधी सी बात है, जब आप उसको दबाओगे पॉम पॉम तो ऑयल की जो ड्रॉप्स है उनकी जो स्प्रे होके बाहर निकलेगी। ऐसा आपने कब देखा होगा, आपने कभी देखा है क्या स्प्रे देखा है, डिओड्रेंट देखा, डिओड्रेंट मैं आपको दिखाता हूं, प्लीज मुझे डिओड्रेंट दिया जाए, टेक्निकल टीम कोई डिओड्रेंट पड़ा होगा प्लीज दो, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखो आप लोगों ने आप घर पे डिओड्रेंट तो यूज करते होगे, तो डिओड्रेंट पे कभी आप देखना कि आप ऊपर ऊपर स्प्रे करने के लिए होता है, तो जब आप उसको प्रेस करते हो तो बूंदे निकलती हैं, आपने कभी देखा होगा। तो सेम काम इसका भी वैसा ही, आप इसको प्रेस करोगे तो यहां से बूंदे निकलेंगी, समझ में आ गया, और वो ऑयल की ड्रॉप होंगी क्योंकि आपने ऑयल भर के रखा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक काम तो ये होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये देखो, ये मत सोचना कि कौन सा डिओड्रेंट है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखो ऐसा होता है, ये डिओड्रेंट में ऊपर ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, जब आप इसको स्प्रे करोगे ऐसे करके देखना ध्यान से, तो आप एक बार ध्यान से देखोगे मे भी कुछ खराब नहीं हो जाए, बट ये स्प्रे कर रहा हूं और आपको ना दिखाई देगा, ध्यान से उसको देखना, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके स्प्रे दिखे तो लाइक ठोक देना। दिख रहा है क्या? पता नहीं आप लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे नहीं पता, ये दिख रहा है, दिखा कुछ है मालूम नहीं आप लोग, दिखा कि नहीं दिखा, बट एक खास बात दिखा होगा, मेरे ख्याल से दिखा होगा, एक बार और देखो, यूं देखो, दिखा 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 होगा पक्का, दिखा होगा जिस जिसको दिखा। हाँ, तो बेसिकली जब इसे स्प्रे करते हो तो वो स्प्रे बूंदों की फॉर्म में बाहर निकलता है। आप इसके अंदर तो क्या भरा हुआ, डिओडेंट भरा हुआ, तो ऑब्वियसली खुशबू वाली चीज बाहर निकलेगी, उसमें ऑयल की ड्रॉप भरी हुई थी, तो इसलिए इसको बोलता है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, दिखा होगा। तो अब क्या है ना, आगे वाला सीन देखो, बहुत ज्यादा छिड़क दिया। तो अब क्या सीन है, तो यहां पे जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो यहां से ऑयल की ड्रॉप बाहर निकलेगी, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब उसमें और क्या क्या लगा हुआ है, पहले अपन उसको सारा सेटअप को देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूं होता क्या है। अब दूसरा क्या सीन है, फिर उन्होंने क्या लगा रखा है अंदर, यहां पर है ना एक टेलीस्कोप लगा रखा है, टेलीस्कोप इधर साइड में देखो, ये टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप दिख रहा है सब लोगों को, यहां से वो देखेगा अंदर कि हो क्या रहा है, ठीक है। ऑयल की ड्रॉप नीचे आएगी, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, टेलीस्कोप लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद है ना यहां पर ना दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ये येलो कलर का पहला इलेक्ट्रोड है और ये येलो कलर का दूसरा इलेक्ट्रोड है, जो लेयर है वो एक एक्चुअली एक इलेक्ट्रोड है। अब उसको एक बैटरी से जोड़ दिया, इसको यूं करके एक बैटरी से जोड़ा हुआ है, ये देखो, ये इस तरह से उन्होंने बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अभी स्विच खुला हुआ है, ऐसे मान लो कि स्विच खुला हुआ है तो अभी बंद नहीं है, पर जब बंद करोगे तो ये पूरी प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये पूरी प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ध्यान से समझना, ऐसा सेटअप किया। अच्छा, एक और चीज उन्होंने कर रखी है, ध्यान से इसको देखना, इधर की तरफ उन्होंने क्या कर रखा, एक एक्सरे एक्सरे मशीन लगा रखी है, जो एक्सरेज को यहां से इमिट करेंगी अंदर की तरफ, तो इस तरफ एक्सरे मशीन लगी है, देखो ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ओवरऑल सेटअप पहले चेक करो, दिमाग में ना पहले तो सेटअप बन जाना चाहिए कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो मुझे एक बार नुमा एक जार चाहिए जिसमें मैं क्या करूंगा, दो इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, एक इस बीच में और एक नीचे की तरफ, ऊपर वाले को पॉजिटिवली चार्ज करूंगा, नीचे वाले को नेगेटिवली चार्ज करूंगा। ये आपने एक स्प्रे लगाया जिसको प्रेस करोगे तो डेफिनेटली यहां से प्रेस करते ही बहुत सारी जो पानी की बूंदे हैं वो यहां से बाहर निकलेंगी, ऑयल की बूंदे बाहर निकलेंगी, क्योंकि आपने यहां पर क्या भर के रखा है, ऑयल। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक टेलीस्कोप चाहिए जिससे आप बूंद का स्टडी कर सको। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर एक एक्सरे मशीन चाहिए जो जिससे आप एक्सरेज को पास कर सको। आपको पता नहीं कि एक्सरेज में एनर्जी बहुत होती है। अब इसके फायदे क्या है, जरा आप उसको चेक करो। तो अब मैं समझाता हूं, अपने को सेटअप मालूम पड़ गया, अब मैं आपको समझाता हूं। पहले तो आप है ना बैटरी अप्लाई मत करना, अभी बैटरी अप्लाइड नहीं है, ये खुला हुआ है, ठीक है, ये बैटरी अप्लाइड नहीं है। इन दैट केस जब आप इसको प्रेस करोगे, जैसे आप फुसफुस करोगे, जैसे है ना ये फुसफुस किया था, तो जैसे ही आप फुसफुस करोगे, जैसे ये फुसफुस करोगे ना इस तरह से, ये देखो ये फुसफुस करोगे तो यहां से ऑयल की ड्रॉप बाहर निकलेगी। अब ऑयल की ड्रॉप धीरे धीरे नीचे आएगी, ऐसे करते हुए धीरे धीरे नीचे आएगी। अब धीरे धीरे नीचे आएगी तो उसमें से कुछ ड्रॉप जो है, वो जो छेद दिख रहा है आप लोगों को, होल दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है,
ये होल से नीचे आएगी, ये कुछ ड्रॉप्स इस होल से नीचे की तरफ आएंगी, नीचे की तरफ इस चैम्बर में। अब इस चैम्बर की क्या खास बात है, इस चैम्बर में ना आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इस चैम्बर में एयर है, समझ में आ गया, एयर में पार्टिकल होते हैं, यहां से आप एक्सरे पास करवा रहे हो, एक्सरे में इतनी पावर होती है वो किसी को भी पेनिट्रेट कर देती है। तो सपोज करो कि यहां पर ये एक एयर का पार्टिकल था, आपने उसके ऊपर एक्सरे का स्ट्राइक करवाया, जैसे ही एक्सरे का स्ट्राइक करवाया यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले तो अब आप ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और वो जो एक्सरे था वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गया, समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के होते हैं, ऑयल की ड्रॉप ने क्या किया, इन पॉजिटिव चार्जेस को अपने अंदर समा लिया। मेरी बात को समझना, जैसे ही आपने एक्सरे को पास करवाया, एक्सरे ने पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन में तो काइनेटिक एनर्जी होती है, दूर भाग गए, लेकिन पीछे जो पार्टिकल बच गया वो क्या हुआ, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब ऑयल की ड्रॉप ऊपर से गिर रही थी, उस ऑयल की ड्रॉप ने क्या किया, उस चार्ज को अपने अंदर ले लिया, ऐसे करके आओ सुस्वागतम, ऐसे करके आया समझ में। तो बेसिकली अब जो ऑयल की ड्रॉप है, यहां पर जो ऑयल की ड्रॉप दिख रही है, ये ऑयल की ड्रॉप पॉजिटिवली चार्ज हो गई, क्यों, क्योंकि एक्सरे से क्या हुआ, जब आपने अप्लाई करवाया ना, तो एक्सरे से बेसिकली वो उसने पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाग गए, तो वो अब ऑयल की ड्रॉप क्या करा, उन्होंने चार्जेस को पकड़ लिया और अपने अंदर समा लिया। अब ये चीज हम कहां से देख पा रहे थे, ये चीज हम देख पा रहे थे टेलीस्कोप से। अब अपन ने क्या किया, मेरी बात ध्यान से सुनना, अपन ने अभी अगर आप देखोगे ना, इस ऑयल की ड्रॉप पर अगर आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हो तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, ए इंटू जी, ये तो पढ़े हो गए आप, एक्सेलरेशन इंटू, सॉरी क्या लिखते हो, एम इंटू ए, ग्रेविटेशनल फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हो, एम इंटू जी लिखोगे इसको, ठीक है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जिसका फॉर्मूला होगा एम इंटू जी, ये तो जानते हो, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मास इंटू ग्रेविटेशन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आप इस पे ना ये जो बैटरी, ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं ना, वहां से अब आप क्या करो, इस पे ना एक अप्लाई करो, क्या, बैटरी, जिससे ये क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये वाली चीज पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ में आता है सबको, ऊपर वाली पॉजिटिवली चार्ज हो गई, नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज हो गई। एक छोटी सी मिस्टेक मुझे समझ में आता है कि मैंने कर दी होगी, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, एक छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई, मैं उसको थोड़ा सा दुरुस्त करता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आए। तो जब एक्सरे का स्ट्राइक हुआ था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब एक्सरे का स्ट्राइक हुआ था तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, समझ में आता है, ये एटम पे एक्सरे का स्ट्राइक हुआ तो इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकले, ठीक है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली उस जो ऑयल की ड्रॉप थी उसने अपने अंदर कंज्यूम किया था। बेसिकली ऑयल की ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, मैंने गलती से आपको पॉजिटिवली चार्ज बता दिया, उन इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली जो ऑयल की ड्रॉप है उन्होंने अपने अंदर कैप्चर कर लिया, आ रहा है समझ में। तो ये अगर मैं बोलूं आपसे, अब आप इसको थोड़ा दुरुस्त कर लेना, कि आपकी जो ऑयल की ड्रॉप है बेसिकली वो खुद अब नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो रही थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे गलती कैसे पता लगी मैं बताता हूं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि अभी अगर कुछ भी आप अप्लाई नहीं करते हो, मतलब ये इलेक्ट्रोड पे यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ऑयल की ड्रॉप नीचे की तरफ आएगी और उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एम इंटू जी। अब आप क्या करो, मुझे कैसे समझ में आया पता है, क्योंकि मुझे तब समझ में आया जब मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज करूंगा और इसको नेगेटिवली चार्ज करूंगा, और जब मैं यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूं, तो आप खुद से सोचना कि एक ऑयल की ड्रॉप है, ठीक है, जो ना जिसको फोर्स की वजह से नीचे की तरफ भाग रही है, अगर मैं अचानक से यहां पर बैटरी अप्लाई कर दूं और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो आप मुझे बताओ क्या ये नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप ऊपर की तरफ नहीं जाएगी? यस, नेगेटिव किसको, नेगेटिव ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी तो स्पीड कम हो जाएगी। तो अब ड्रॉप जो है ना, अगर अगर आप ड्रॉप को स्टेटोस्कोप से देख रहे हो, टेलीस्कोप से देख रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इतनी पावरफुल बैटरी अप्लाई कर दूं, ठीक है, कि वो क्या करे, ये ड्रॉप को यहीं रोक दे, कैसे रुकेगी ड्रॉप, एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा दूं मैं, कौन सा वाला होगा, ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, जो इस नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ खींच रहा है, तो एक फोर्स और होएगा, आ रहा है समझ में, जो ऊपर की तरफ लग रहा है। अब एक वक्त ऐसा आएगा, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए, नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स अगर बराबर हो गया, ठीक है, तो
तो बेसिकली क्या होएगा, जरा आप चेक करो इन दोनों फोर्सेस को क्या इक्वल रख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां से उस बंदे ने क्या किया, मिलिकन के ओयल ड्रॉप ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे लिखा जाता है, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखा जाता है, ऐसे ही कुछ होता है ना, वैल्यूज ले लेना। उसने जो भी कैलकुलेशन करी हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने ये टोटल ग्रेविटेशन जी का वैल्यू सबको पता होता है, मास इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन के मास की तो बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ही तो कैप्चर हुआ है वहां पे, गलती होगी ना हमसे यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज हो गए, सही है। तो Q1 की वैल्यू यहां से और Q2 की वैल्यू, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू रखे, और ये सारी वैल्यू रखने के बाद आप यहां से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का आप यहां पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं आपको यहां पर कैलकुलेशन में नहीं लेके जा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उस बंदे ने किया क्या, समझ में आता है। उस बंदे ने ऑयल की ड्रॉप को भिगोया और वो ऑयल की ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज हो गई, फिर उसने यहां पर बैटरी को अप्लाई किया, जैसी बैटरी को अप्लाई किया तो बेसिकली वो जो ड्रॉप थी वो स्टक हो गई, यानी कि दो फोर्स इक्वली एंड अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करने लग गए, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, दोनों फोर्स जब बैलेंस हुए तो इक्वेट करके उसने इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज है एक, आप एक बात बताओ कि चार्ज की जो एक वैल्यू होगी वो तो इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक चार्ज तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसी की वैल्यू तो हमें निकालनी है। और Q2 की वैल्यू वो कितनी होगी, जो बैटरी आपने अप्लाई करके रखी है। यहां पर जो ओवरऑल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहां पर Q1 की वैल्यू तो E है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, Q2 की वैल्यू क्या है, जो बैटरी आपने अप्लाई करी है, अपॉन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो भी उसने कैलकुलेशन करी ओवरऑल ये कैलकुलेशन से, और ये किसके बराबर होगा, ये फोर्स mg के बराबर, यहां से उसने E की वैल्यू निकाली। फाइनली इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट की गई, और जब वैल्यू कैलकुलेट करी गई तो वो वैल्यू निकल के कितनी आई, ठीक है, एक फैक्टर था जिससे वैल्यू निकल के आई, ओवरऑल कैलकुलेशन में हमें नहीं जाना है, बट ओवरऑल इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट किया गया था और फाइनली वैल्यू निकल के आई थी -1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई थी, और ये कॉमन फैक्टर था जो हर एक ड्रॉप में था, दिस इज द कॉमन फैक्टर इन एवरी ड्रॉप। तो इस फैक्टर को ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लिया गया। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, और E बाय M का रेशियो सर जेजे थॉमसन देके गए थे, दोनों का जब हमने डिवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आ गया। इलेक्ट्रॉन का मास कितना हुआ, 9.11 × 10⁻³⁻³ kg, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल के आया दो चीजों से, एक तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से E निकला था और E बाय M रेशियो दिया था हमारे जेजे थॉमसन ने, दोनों को डिवाइड कर दिया, मास निकल के आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास आ गया। अब हम आगे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन समझते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और एनोड रे की स्टडी करते हैं कि एनोड रे भी कुछ होता है क्या। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हुआ कुछ यूं कि जैसे ही सर जेजे थॉमसन फेमस होने लगे, समय सोचा माय गॉड क्या बंदा है सर जेजे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन उसने निकाल डाला, अरे समझ में, तो बड़ा फेमस हो गया था। उसने अपना पेपर पब्लिश किया कि किस तरह से उसने कैथोड रे ट्यूब बनाई, कैथोड रे ट्यूब बनाने के बाद उसने किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे, उसने सब बताया, भाई साहब वो फेमस हो गया था। अब वो उसका जो पेपर था, उसका पेपर इस बंदे के पास भी पहुंचा। क्या नाम था इसका, इसका नाम था इंगली, नीचे क्या लिखा, उंगने उंजनी, उंजनी गोल्डस्टीन। तो बेटा आप गोल्डस्टीन याद कर लेना, इधर का नाम तो मेरे को प्रोनंसिएट ही नहीं हो रहा, वट एवर। तो हमारी जो उंजनी गोल्डस्टीन है, इनके पास वो पेपर पहुंचा। कौन सा वाला, उनके पास पेपर पहुंचा सर जेजे थॉमसन वाला। उन्होंने बोला कि वाह यार बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है यार, कुछ तो इसने किया है, तो देखे क्या किया है। पर ये ऐसा बंदा था कि इसने सोचा यार मैं सिर्फ है ना, मैं सिर्फ देखूंगा नहीं, मैं करके बात को मानूंगा, मतलब मैं करके देखूंगा, मैं सीआरटी खुद बनाऊंगा और मैं करके देखूंगा कि वाकई में इलेक्ट्रॉन होता है। इस बंदे में इतनी जिज्ञासा थी, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं ठीक है यार देख लो बात खत्म, कई बच्चों में जिज्ञासा होती है ये हुआ तो कैसे हुआ। तो ये उसी टाइप का बच्चा था, हालांकि शक्ल से बच्चा नहीं लग रहा ठीक है, बट आप ऐसा मानो कि उसी तरह का शैतान दिमाग था इसका कि मैं करके देखूंगा। तो गोल्ड स्टेन ने क्या किया ना, ये सारा सेटअप फिर से बनाया, जो हमारे सर जेजे थॉमसन ने बनाया था वही सेटअप इसने दोबारा बनाया। इसने क्या किया, पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। सर जेजे थॉमसन ने कहा था कि आप लोग क्या करना है कि एक आप लोगों को यहां पर ट्यूब लेनी है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं रुको। तो यहां पर उसने बोला कि भैया आपको एक वैक्यूम क्रिएट करना है, एक कांच की ट्यूब लेनी है ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करो, कांच की ट्यूब लो, ले ली। तो यहां पर उसने कांच की ट्यूब ले ली, वैक्यूम क्रिएट कर लिया। फिर उसने सर जेजे थॉमसन ने बोला था कि आप दो इलेक्ट्रोड की प्लेट चाहिए, पर सर जेजे थॉमसन ने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रोड की प्लेट आपको कौन सी लेनी है, आपको मेटल की प्लेट चाहिए थी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। तो बंदा क्या, अब पीछे अपने बैकयार्ड में गया,
ऐसे ही घूमते घूमते चला गया बैकयार्ड में, उसका घर था। उसने कहा दो इलेक्ट्रोड की रोड कहां से लाऊं, किधर से लाऊं, ऐसे ऐसे करके बोले चलो पीछे चलते हैं। सारा सामान तो मंगवा लिया था पर इलेक्ट्रोड मंगवाना भूल गया, प्लेटें मंगवाना भूल गया। तो प्लेटें जब मंगाना भूल गया बोले चलो बैकयार्ड में। हमारे बैकयार्ड में तो क्या होता है, भैंसे बंधी होती हैं, समझ में आ रहा है। उनके बैकयार्ड में भैंसे नहीं बंधी होती हैं उनके, हमारे तो बैकयार्ड में कहां भैंसे होती हैं, चलो जो भी है। उनके बैकयार्ड में क्या था कि सामान पड़ा हुआ था, ठीक है। तो अपने बैकयार्ड का मतलब होता है अपने घर के पीछे एक कमरा था, घर के पीछे कमरे में जब वो गए तो उनको ना उस कमरे में ढूंढना था क्या, एक मेटल का प्लेट ढूंढना था कि कोई मेटल का प्लेट मिल जाए जिसको मैं ना एक्सपेरिमेंट में लगा दूं। तो ढूंढते ढूंढते उनको कुछ नहीं मिल रहा था, कोई मेटल की प्लेट नहीं मिल रही थी। उनको मिला एक वॉश बेसन, हाथ धोने का वॉश बेसन। तुमने वॉश बेसन देखा है, ऐसे करके वॉश बेसन पड़ा हुआ था नीचे। और आपको भी पता है कि वॉश बेसन में ना नीचे नीचे पानी को ड्रेन आउट करने के लिए यहां पर एक परफोरेटेड प्लेट लगी होती है। कभी देखे हो, मंजन करते हो कि नहीं करते हो, ब्रश करते हो सुबह सुबह उठ के नलायकों। चलो तो मेरे ख्याल से तुम मंजन ब्रश सब करते होगे, अगर पोटी जाते होगे तो हाथ तो धोते होगे। तो जब आप हाथ धोते हो तो वो किसमें धोते हो, वो आप धोते हो वॉश बेसन में। तो वहां पर जब आप गए वॉश बेसन में, जब आप गए तो वहां पर आपको नीचे दिखता होगा कि परफोरेटेड प्लेट, एक छेद वाली प्लेट लगी होती है जिससे पानी ड्रेन आउट होता है, वहां से बाहर निकलता है। तो वो जो प्लेट थी वो दिखा यार ये तो मेटल है, आपको भी पता है कि वहां पर मेटल वाली एक प्लेट लगी होती है, तो आपको पता है। और उन्होंने कहा कि ना मेरे पास प्लेट तो है नहीं, इंतजार मेरे से हो नहीं रहा, मेरा तो एक्सपेरिमेंट है, मेरा एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा। उसने वो वॉश बेसिन को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद है ना वो प्लेट निकाल ली उसने, वो वाली प्लेट निकाल ली, बोले अब तो मैं इससे एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा। आ रहा है आपको समझ में? तो प्लेट वो निकाल ली, परफोरेटेड प्लेट, और उस भाई ने वो परफोरेटेड प्लेट, वो छेद वाली प्लेट को इलेक्ट्रोड बना के लगा दिया भाई साहब ने। बात सुनना बड़ा मजेदार था। तो उस बंदे ने क्या किया, परफोरेटेड प्लेट को यहां पर, वो छेद वाली प्लेट को यहां लगा दिया, वेरी इंटरेस्टिंग, कैथोड की जगह पे, ध्यान से सुनना, कैथोड की जगह पे लगा दिया भाई साहब ने, ठीक है। और फिर इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से परफोरेटेड प्लेट को जोड़ दिया। दूसरा तो कुछ मिल नहीं रहा था तो उसने एक नॉर्मल प्लेट लगा दी, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और वही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। उसने वैसे ही यस यहां से करंट पास करी, यहां से करंट पास करते ही ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली यहां से बाहर निकलने लग गए। सारा सेम खेल हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि यहां सारा काम वही सेम हो रहा है, सर जे जे थॉमसन ने जो बताया था वो सारा काम हो रहा है। लेकिन एक मजे की बात उसको नजर आई, जो आपको भी नजर आ रही होगी अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो आप देखे हो कि जो आपको कांच की ट्यूब दिख रही है उसके इस हिस्से में आपको एक ब्राइट ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, दिख रहा है क्या सब लोगों को? आप अपनी चाइनीज आंखों को खोल के देखो, आप चाइनीज तो नहीं बोलेंगे, गंदा इंडियन आंखों को खोल के देखो कि आपको इस कांच की प्लेट में पिछवाड़े पर, ये परफोरेटेड प्लेट है उसके पिछवाड़े पे ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये जो ब्राइट स्पॉट आपको दिख रहा है ना, उसको जब दिखा तो उसने कहा यार ये कमाल की चीज है, ये क्या है? अब आप मुझे बताओ कि कांच अगर चमक रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? अगर कांच चमक रहा है तो उसका रीजन ये, उसने दिमाग लगाया, कांच उसने ना कुछ आवर सोचा ना ताव, उस बंदे ने देखा कि भैया कैथोड के पीछे का जो कांच है वो चमक रहा है। अच्छा कैसे चमक रहा होगा भैया? जब कोई कांच चमकता है तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उस पर कोई सन रे या फिर कोई रे आके टकरा रही है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको, इसकी वजह से चमक रहा होगा, ये तो आपको पता है। तो उसने दिमाग लगाया सामने क्या है, सामने एनोड है, तो इसका मतलब एनोड से रे आ रही होगी ऐसे ऐसे भागती हुई, और छेदों से बाहर निकल के, क्योंकि छेद थे, छेदों से बाहर निकल के ये कांच की प्लेट पे टकरा रही होगी, और इसका मतलब एनोड रे नाम की भी एक चीज होती है। अमेजिंग, ही इज लाइक ओ माय गॉड, मैंने एनोड रे डिस्कवर कर ली। सर जे जे थॉमसन ने कैथोड रे डिस्कवर करी थी, मैंने एनोड रे। वो ये कहता है कि भाई साहब जब सर जे जे थॉमसन ये कह सकते हैं कि कैथोड से रे निकल सकती है तो भैया एनोड से भी निकल सकती है, एनोड रे भी हो सकती है। और उसने ना आव देखा ना ताव देखा, सबको बुला लिया, बोले आओ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे कैथोड रे होती है वैसे एनोड रे भी होती है, सबको पकड़ लिया आओ दिखाता हूं भाई साहब, सबको बुला लिया। तो बोले कि उसने पता क्या तथ्य दिए, उसने तथ्य दिए कि भैया देखो मेरी बात सुनो, वो ये कहता है कि कोई आइटम न्यूट्रल होता है। अब जे जे थॉमसन कहता है भैया उसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसमें बराबर मात्रा में प्रोटोन या फिर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, बोले हाँ। तो उसने बोला कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, और देखो यहां पर ब्राइट स्पॉट दिख रहा है। तो बोले कि एनोड रे जिसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे वो आके टकरा रही है तो ब्राइट स्पॉट आ रहा है। लेकिन वो बोला कि भैया तुम क्या प्रूफ कर सकते हो इसको?
जेजे थॉमसन ने सारे प्रूफ दिखाए, उस बंदे ने लोकेट वाला एक्सपेरिमेंट किया, उस बंदे ने रोटेशन वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उसने प्रूफ करके दिखाया कि भैया इलेक्ट्रॉन वाकई में होते हैं, दीज आर द पार्टिकल्स। तुम प्रूफ करके दिखा सकते हो क्या? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या, या ऐसे ही तुम लोग हवा में बातें कर रहे हो? तो उसने बोला चलो ठीक है भैया, हम प्रूफ करके दिखाएंगे। हमारी तो मूछों का सवाल हो गया है, मतलब तुम तो हमें ऐसे ही समझ लिए हो। तो उसने क्या किया, सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे उस भाई ने भी। कैसे? उसने भी इसके बीच में एक लॉकेट लगाया, कुछ नहीं हुआ। उसने भी यहां पर एक, मैं एक एक्सपेरिमेंट और बताता हूं, वो जो होता है ना, बेसिकली आपने कभी भी मेले में गए हो तो आप बच्चे लेके घूमते हो, तेज तेज भागते हो तो गोल गोल रोटेट करती है, जैसे पार्टिकल नेचर का पता लगता है। तो उसने इवन गोल गोल घूमने वाली एक यहां पर चक्री लगाई, लेकिन वो चक्री घूमी नहीं, इलेक्ट्रॉन के केस में घूम गई थी, प्रोटॉन के केस में घूमी नहीं। आ रहा है समझ में? और वो कहां लगाई, वो यहां नहीं लगाई, उसको तो यहां पर दिख रहे थे ना ब्राइट स्पॉट, तो उसने यहां पर लगा के सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे कि भैया अगर कोई प्रे होगी तो सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाद में उसने माथा पकड़ लिया, उसने कहा भैया प्रोटोन यानी कि एनोड रे नाम की कोई चीज नहीं होती, समझ में आ गया। लेकिन इस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकती कि अगर किसी में नेगेटिव पार्टिकल होएगा तो उसमें पॉजिटिव पार्टिकल भी होएगा, इस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनोड से कोई रे निकलती, बाद में जो कॉन्सेप्ट निकल गया है वो कुछ यूं था, होता कुछ यूं है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं तो हवा के पार्टिकल से वो टकरा रहे होंगे, हवा के पार्टिकल से टकरा रहे तो यहां से हवा के पार्टिकल किसी, अगर सामने से इलेक्ट्रॉन आ रहा बहुत तेजी से और इस पार्टिकल के, एयर के पार्टिकल से जब टकराएगा, एनर्जी देगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन तो कहां जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो आपको पता है जो एयर का पार्टिकल वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली हुआ कुछ यूं कि जो एयर का पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से। तो पॉजिटिव क्या है, दैट इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पूछे कि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की कुछ खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज ओनली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लो, दिस इज ओनली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को ही प्रोटॉन कहा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझो, आ रहा है समझ में? और वही पॉजिटिव चार्ज इन छेदों से बाहर निकल निकल के सामने टकरा रहा था, सामने टकराने की वजह से खूब टकराएगा तो ऑब्वियसली ये चमकेगा तो सही। आ रहा है समझ में? ये रीजन था। तो एनोड रे टाइप का कुछ नहीं होता, कैथोड से रे निकलती है लेकिन एनोड से कोई रे नहीं निकलती है, सब झूठी बातें हैं। हाँ, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन कहा जाता है, सिंपल सी बात है, यही प्रोटॉन का डेफिनेशन है। और फाइनली कोई एनोड रे टाइप की चीज नहीं होती। क्वेश्चन है एनोड रे होता है, कोई एनोड रे टाइप की चीज नहीं होती, सब फालतू की बातें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बस उसको एक्सपेरिमेंट वही है कि परफोरेटेड प्लेट से किया गया था, इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली यहां पर पार्टिकल से टकराते थे, खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाते थे और ये पॉजिटिवली चार्ज वाला कैथोड की तरफ भागता था और पीछे जाके टकराता था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। ओवरऑल जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ बोला गया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली ही प्रूव किया जा सका। जब इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है तो प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होएगा। आ रहा है समझ में? तो ये प्रोटॉन का चार्ज है जो कि थ्योरेटिकली निकाला गया था, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए थे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकालने के लिए मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, प्रोटॉन के लिए कोई ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, कुछ नहीं हुआ था क्योंकि प्रोटॉन है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे भाई, कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसकी, अम्मा मिया, नथिंग पॉसिबल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया प्रोटॉन टाइप की कोई चीज नहीं होती। बस ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज होता है माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस। अब आप बोलोगे सर प्रोटॉन के तो मास भी निकाला गया, तो बेटा मास ऐसे निकाला गया, देखो हाइड्रोजन के बारे में तब तक स्टडी हो चुकी थी। अब हाइड्रोजन में सबको पता था कि एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें एक ही प्रोटॉन होता है और उसमें न्यूट्रॉन जीरो होते हैं, ये पता लग चुका था। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा, प्रोटॉन। तो बेसिकली क्या किया गया, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको प्रोटॉन का मास निकालना है तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन एटम का मास ले लो। हाइड्रोजन एटम का मास तो निकालना सीख गए थे, सब तब तक हो चुका था, उसमें से क्या करो इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दो। हाइड्रोजन एटम के मास में से जब इलेक्ट्रॉन के मास को निकाल दोगे तो प्रोटॉन का मास निकल के आएगा और वो प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर ही था क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। तो 1.67 × 10⁻²⁻²⁷ kgs ये आया था प्रोटॉन का मास। तो मेरी बात को समझना, प्रोटॉन नाम की कोई चीज नहीं होती, एनोड रे नाम की कोई चीज नहीं होती, बट हम उसको झुटला भी नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव होएगा तो पॉजिटिव होएगा।
आपको मैं बता देता हूँ कि जानकारी के लिए, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे ना आगे क्लासेस में या फिर जो भी आप पढ़ने जाओगे वहां पर अगर आपको सीखने को मिले तो आपको बताता हूँ, वहां पर पॉजिटिव चार्ज को होल बोला जाता है, होल। अरे आप किसी जगह से खड़े हो जाओगे तो वहां होल हो जाएगा, मतलब कोई चीज बाहर निकाल दोगे तो होल दिखेगा। आपने कभी नट बोल्ट बाहर निकाला है? तो नट बोल्ट बाहर निकालते आपको होल दिखता, बस वही है। दैट इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्रोटॉन, पॉजिटिव नाम का कोई चीज नहीं होता, दैट्स इट। चलो अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, डिस्कवर वाई नीचे आ गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार साइंस, आई रियली लाइक साइंस, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, दिल में बसा है मेरे साइंस। बाय द वे आपको बता देता हूं, 9 तारीख को ऐसा होगा कि जो मार्स है वो मून के पीछे छुपेगा, 11 और 12 तारीख को आपको बहुत सारे मीटरॉइड्स दिखेंगे, मतलब मीटरॉइड्स की बारिश हो रही होगी, आपको वो आसमान में दिखेगी। तो ये सारी चीजें होने वाली है। अगर आप वाकई में स्पेस में इंटरेस्ट रखते हो तो देयर इज अ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, अगर आप देखना चाहो तो, लॉस्ट इन स्पेस। क्या लॉस्ट इन स्पेस, मतलब मजेदार, नॉलेज ही नॉलेज। चलो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ चलते हैं। देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बेसिकली ना ऐसे सोच के नहीं करा था, ऐसा कभी नहीं सोचा था भाई किसी एटम में पॉजिटिव पार्टिकल होता है तो उसमें नेगेटिव पार्टिकल भी होएगा तो उसके अंदर न्यूट्रल पार्टिकल भी होएगा, ऐसा सोच के नहीं किया गया था। ये महानुभाव थे जिन्होंने काम किया था, जिनका नाम क्या है, जेम्स चैडविक। इनका नाम क्या है, जेम्स चैडविक। ये महानुभाव थे जिन्होंने काम किया, बोले कि ऐसा है। और एक्चुअली न्यूट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने इसलिए नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ इसलिए की थी कि वो अल्फा पार्टिकल से बचना चाहते थे। अल्फा पार्टिकल कैंसर का कोज करते हैं। वो कौन सी थी, लेडी गागा, नहीं नहीं वो एक लेडी थी ना, नाम भूल गया मैं उसका, मैडम क्यूरी, मैडम कैरी क्यूरी, व्हाटएवर, उनकी जो डेथ हुई थी वो अल्फा पार्टिकल्स की वजह से हुई थी, कैंसर की वजह से। मैडम क्यूरी का नाम सुने हो, बचपन में सुने हो गए, सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, लेडी गागा, लेडी क्यूरी ऐसे कुछ था, तो समझ गए हो गए। तो अल्फा पार्टिकल बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बचने के लिए ये भाई साहब जो जेम्स चैडविक है जुगाड़ ढूंढ रहा था। उसने बोला मैं कुछ जुगाड़ ढूंढूंगा, और अल्फा पार्टिकल इतने खतरनाक थे तो उनमें एनर्जी बहुत होती है, मतलब ये ऐसी है जैसे आपने कभी देखा है, आपने कभी देखा हो, आप कभी सिनेमा में जाते हो तो आप मक्के के दाने को उछलते उछलते देखे हो, मक्के का दाना क्यों उछलता है इतना, फटाक 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 क्यों उछलता है, क्योंकि नीचे से आप एनर्जी इतनी मिल रही है उसको, समझ में आ रहा है आपको। मैं सवाल पूछता हूं कि मक्के का दाना क्यों उछलता है इतना, कोई बता सकता है, तो तुम बैठ के देख लेना सॉरी। तो फाइनली जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल पे स्टडी करना शुरू कर दिया। अब वो ये ढूंढ रहे थे कि कोई, भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप बुलेट से बचना चाहते हो तो आप क्या करो, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो। अगर आप अल्फा पार्टिकल से बचना चाहते हो तो आप अल्फा पार्टिकल को रोकने वाली कोई जैकेट पहन लो। अच्छा आप अल्फा पार्टिकल को, कौन ऐसी चीज है जो अल्फा पार्टिकल को पेनिट्रेट नहीं करने देगी, अंदर से नहीं जाने देगी, रोक देगी। ये यही बात की स्टडी कर रहे थे कि यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आए तो कोई ऐसी चीज ढूंढो जो इस अल्फा पार्टिकल को क्रॉस नहीं करनी पड़े, क्योंकि यहां पर आप हो उसको पहने हुए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कल को कोई अल्फा पार्टिकल की बंदूक चला दे तुम तो मर जाओगे, पर अगर तुमने अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए कोई मेटल की प्लेट पहनी हुई है जो उसको आगे नहीं जाने दे तो तुम बच जाओगे। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आया। तो ये जैकेट बनाने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग मेटल की प्लेट की। तो मजे की बात ये हुई कि जब वो जैकेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्टमेंट हो रही है यहां से, ऐसे मजेदार अल्फा पार्टिकल इनके ऊपर गिर रहे हैं, आ रहा है समझ में। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर में उनको समझ में आया कि यहां से कोई पार्टिकल निकल रहे हैं एक्स्ट्रा। अभी जो पार्टिकल निकल रहे थे एक्स्ट्रा, अब उन्होंने सोचा पता नहीं इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ये बात तो अपने सर जजे थॉमसन भी बता रहे थे, कुछ पार्टिकल निकलते हैं तो बोला इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। और यहां पर उन्होंने ना एक पॉजिटिव बैटरी और एक नेगेटिव बैटरी लगा दी। भाई साहब ये ऐसे थे पार्टिकल जो ना तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे ना नेगेटिव की तरफ जा रहे थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अल्फा पार्टिकल को जब भी आप मेटल की प्लेट पे गिराते हो, ये अल्फा पार्टिकल है उसको मेटल की प्लेट पे गिराया तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहां पर कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहे थे, जिनको जब हमने बैटरी के टर्मिनल्स के बैटरी के बीच में रखा, बैटरी इलेक्ट्रोड के बीच में रखा, तो वो कहीं कहीं भी नहीं गए, ना तो वो पॉजिटिव की तरफ गए ना वो नेगेटिव की तरफ गए। इसका क्या मतलब है, अगर कोई पार्टिकल ना तो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है ना नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया उसमें कोई चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने जेम्स चैडविक ने तब कहा, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, कि किसी घर में बहुत बोलने वाला पैदा होता है, किसी घर में अगर कोई बहुत बोलने वाला पैदा होता है और बहुत चुप रहने वाला पैदा होता है तो कोई न्यूट्रल भी पैदा होता है। बहुत पॉजिटिव आदमी पैदा होता है, बहुत नेगेटिव आदमी पैदा होता है, तो इस दुनिया में न्यूट्रल आदमी भी है जो कुछ नहीं करते। समझ में आ गया, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। तो देर इज सम सर्टेन पार्टिकल्स हु आर एक्चुअली नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, दे आर न्यूट्रल्स, बेसिकली दे आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी। नाउ हमारे पास सारे पार्टिकल आ गए,
समरी कर लेते हैं, मैं आपको छोटा छोटा मोटा मोटा बताऊं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन करे थे, हमारे थॉमसन बाबा। नाम नाम याद रखना, संजू बाबा नहीं है बेटा, संजू बाबा छोड़ दो, अभी थॉमसन बाबा पर आ जाओ। तो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। पहले तो डिस्कवरी याद रख लो। अगर मैं एब्सोल्यूट चार्ज की बात करूं तो देखो, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹. तो प्रोटॉन का क्या होता है? +1.6 × 10⁻¹⁹. बस चार्ज, बस साइन का फर्क है। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, दैट इज जीरो। अगर मैं बात करूं रिलेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? -1, ठीक है। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? +1। और न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? 0। रिलेटिव चार्ज कैसे निकालोगे? आप कुछ नहीं करना, आपने ना सब में से एक नंबर कॉमन ले लिया, 1.6 × 10⁻¹⁹ कॉमन ले लो। अब आप क्या करो, ये जो नंबर आपने कॉमन लिया है उससे आप सबको डिवाइड करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इस नंबर को भी 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करो, इस नंबर को भी 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करो, इस नंबर को भी करो, आप किसी को भी कर लो, आप यहां से क्या देखोगे? -1। डिवाइड करोगे तो -1 ही बचेगा, यहां पर डिवाइड करोगे तो +1 बचेगा, यहां पर डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। अच्छा, मास की तरफ चलते हैं। मास हमने कैलकुलेट कर लिया था, इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकला था? 9.1 × 10⁻¹⁹। प्रोटॉन का मास कितना निकला था? 1.67 × 10⁻²⁷. इसी तरह से न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर ही था। समझ में आ गया? ये हो चुका था। सिंबॉलिकली इनको कैसे लिखते हैं? अब रिलेटिव मास, अगर रिलेटिव चार्ज निकाले तो रिलेटिव मास भी पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को रिलेटिव मास बताता हूं। इन दैट केस रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं? आप लोग क्या करो, इनमें से एक बड़ा सा नंबर कॉमन ले लो, आप ले लो इन सभी नंबर को, बड़ा सा नंबर कॉमन ले, मतलब इस पूरे नंबर को 1.67 × 10⁻²⁷ से डिवाइड करो, इसको भी करो और इसको भी करो। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को उस नंबर से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो वैसे ही बहुत छोटा है ना, तो 1000 टाइम्स आएगा ऑलमोस्ट। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो 0 है, प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 माना जाता है, क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे तो सेम ही नंबर से डिवाइड कर रहे हो, और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 माना जाता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा ये बहुत छोटा नंबर आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.000 समथिंग आएगा, 0001, विच इज वेरी लेस। तो इसको 0 ही राउंड फिगर में 0 मान लिया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है, बट उस पर चार्ज माइनस का 1 होता है। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन होती है। प्रोटॉन का मास 1 होता है और चार्ज +1 होता है, और न्यूट्रॉन का मास 1 होता है और चार्ज 0 होता है। अब आप मेरी मजे की बात सुनना, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -1 और 0। और अगर मैंने इसमें प्रोटॉन जोड़ दिया, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? 1 और +1, तो न्यूट्रॉन बनेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब आप जोड़ते तो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। चेक करो, 0 और 1 कितना होता है? जोड़ो दोनों को, 1। -1 और +1 क्या होता है? 0। आप बताओ कि ऊपर 1 और नीचे 0 किसमें देखने को मिलता है? न्यूट्रॉन में। तो ये लो, प्रूव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने से न्यूट्रॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फाइनली न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बट ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले न्यूक्लियस नाम किसने दिया था, कि न्यूक्लियस टाइप की कोई चीज होती है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता है, तो वो रदरफोर्ड साहब थे। ठीक है, फाइनली यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे ओवरऑल। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि प्रोटॉन के मास, तब तक मास वास सब कैलकुलेट कर लिए थे, प्रोटॉन का मास निकल गया था 1.6 × 10⁻²⁷ kg, जरा मास को ध्यान से देख लो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, 1.6 × 10⁻²⁷। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास से 1000 टाइम्स कम होता है, यानी कि 9.11 × 10⁻³⁹, ये तो आपने पढ़ा होगा, 9.1 × 10⁻³⁹, ये इलेक्ट्रॉन की मास होती है। अगर चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज निकल के आया था इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितने, किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था मिलिकन ने, मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकाला गया था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन माइनस का, तो प्रोटॉन पे क्या होगा? प्लस का। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो वो 0। तो इस हिसाब से रिलेटिव मासेज और रिलेटिव चार्ज निकाले गए। तो आपको बता देता हूं, आप लोगों को रिलेटिव मास याद रखना है, वो सब फिजिक्स के लिए होता है। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज कितना होता है? देखो, रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड -1। ये कैसे निकाला? आप इसी नंबर से इसी को डिवाइड कर दो, एक कॉमन नंबर ले लो 1.6 × 10⁻¹⁹ से सबको डिवाइड करो,
तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा माइनस वन, रिलेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज होता है प्लस वन और न्यूट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज होता है जीरो। इसी तरह से रिलेटिव मास भी निकाले गए। रिलेटिव मास कैसे निकालोगे, सेम जो नंबर लिया ना आपने ये वाला 1.6 × 10⁻²⁷ से सबको डिवाइड करो। इस हिसाब से अगर देखोगे तो प्रोटोन का रिलेटिव मास आएगा वन, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास आएगा वन, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो हजार गुना छोटा है और वैसे भी नंबर बहुत छोटा है तो उसको जीरो बोल दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास जीरो होता है, प्रोटोन का रिलेटिव मास वन होता है, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास वन होता है, रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस वन होता है, प्रोटोन के ऊपर प्लस का वन होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो होता है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखोगे, रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास आपको केमिस्ट्री में काम आते हैं, बाकी सारी चीजें आपको फिजिक्स में काम आती है, कुछ ज्यादा यहां काम नहीं आएंगी केमिस्ट्री के अंदर, सिर्फ इस चैप्टर में काम आएंगी। तो फाइनली आपको पता लग गया। अब हम थोड़ी थोड़ी और चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे कि मास नंबर क्या होता है। तो आपको पता भी किसी भी एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी भी एटम के तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां पर किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबर लिखे जाते हैं, ऊपर एक नंबर लिखा जाता है और एक नीचे नंबर लिखा जाता है। तो जो ऊपर नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं मास नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, मास नंबर। जो नीचे नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जैसे कि हीलियम के ऊपर लिखा है चार, नीचे लिखा है दो, तो दो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और चार उसका मास नंबर है, ये आप लोग याद रखोगे। तो अगर कोई पूछे कि भैया यहां पर बताओ कि हीलियम में चार और दो लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, हीलियम के अंदर दो, और न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होने चाहिए क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और न्यूट्रॉन की संख्या कैसी निकाली जाती है, यहां से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। मास नंबर कितना है, चार, चार में से दो माइनस करोगे दो बचेगा, वही है न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहां पर अगर आपको कभी न्यूट्रॉन निकालना हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना, ए में से जेड को हटा देना, बात खत्म। ए में से जेड मतलब ए, मास नंबर को लिखा जाता है ए से, एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है जेड से, तो ए में से जेड को, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देना, आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं भैया आइसोटोप का, छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप को मैं बोलता हूं भाई बहन, भाई बहन मतलब सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे कि हाइड्रोजन की सिबलिंग तीन होते हैं, हाइड्रोजन तीन भाई बहन है, ठीक है, इसको एक को बोलते हैं हाइड्रोजन, दूसरे को बोलते हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं ट्रिटियम। इन दोनों में फर्क क्या होता है, देखो यहां पर आइसोटॉप्स में फर्क ये होता है कि इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर इज सेम, बट इनके जो मास नंबर होता है, मास नंबर वो डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पर हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन वन, हाइड्रोजन टू, हाइड्रोजन थ्री, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में फर्क क्या है, तो इनमें फर्क ये है कि यहां पर इनके मास नंबर अलग अलग है, ये एक कहलाता है H1, दूसरे कहलाता है H2 और तीसरा कहलाता है H3। इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, नीचे भी वन आएगा, यहां पे भी वन आएगा और यहां पे भी वन आएगा। तो आइसोटॉप्स का मतलब ये होता है कि इनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अब बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार की क्या खेल होती है, इनमें आपके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जस्ट उल्टा ले लो, एंड मास नंबर यहां पर क्या होता है, मास नंबर यहां पर सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मास नंबर तो यहां पर सेम है जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पे आइसोबार में ऑर्गन, पोटेशियम एंड यहां पर कैल्शियम, अगर आप देखोगे तो सबके मास नंबर 40 हैं। तो यहां पर भी 40, यहां पर भी 40, यहां पर भी 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है, तो इनको आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार में क्या डिफरेंस होता है वो आपको मालूम पड़ गया। अब हम चलते हैं आगे, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, एक होता है आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है, वो है नहीं, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे, चलो मैं आपको बताई देता हूं, यहां पर नहीं दिया हुआ, एक और टर्म होते हैं जिसको बोलते हैं आइसोटोन्स, क्या बोलते हैं लिख लो आप लोग, आइसोटोन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। कैसे निकालोगे, जैसे कि आप कार्बन ले लो और ऑक्सीजन ले लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर होता है 14, ठीक है, मास नंबर 14 होता है आइसोटोप, और ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। तो अगर मैं बोलूं यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो तो यहां पर भी कितने आएंगे 8, यहां पर भी कितने आएंगे 8, इनटू क्या बोलते हैं आइसोटोन, इनको बोला जाता है आइसोटोन्स, क्या कहा जाता है आइसोटोन्स, है ना, सबको समझ में आया। अब हम बात करते हैं बोहर के मॉडल की, लेकिन बोहर के मॉडल को समझने के लिए कुछ चीजें समझने की जरूरत है जिसको बोहर ने क्या किया, अपनी थ्योरी का पार्ट बनाया, बिना उसके समझ में उसको नहीं आती। पहली चीज तो ये है कि बोहर मॉडल एक्चुअली, बोहर का जो मॉडल है उसने किस चीज को कंसीडर किया था, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है, ड्यूअल नेचर मतलब लाइट में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, और एक्चुअली क्योंकि वेव नेचर होता है तो स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़ के, ठीक है, लाइट
किस तरह से एमिट हो रही है, उसके वेवलेंथ को पढ़ के स्पेक्ट्रल लाइन बनाई, स्पेक्ट्रल रिजल्ट से उसने बोहर ने अपना मॉडल दिया। तो बेसिकली यहां पर बोहर ड्यूल नेचर पे बिलीव करता था, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब इन वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, वेव नेचर का मतलब समझो, वेव नेचर का मतलब यह है कि कोई भी पार्टिकल, आप, मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब वो आगे बढ़ेंगे तो अपने साथ एक वेव को निकालेंगे, उसको वेव नेचर कहते हैं। मतलब उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर एक, यहां पर कहने का मतलब यह है कि इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल है जिसके पास मास है, उसके पास वेव नेचर भी होएगा। मतलब वो कोई ना कोई चलते हुए कोई ना कोई लैम्डा यानी कि वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर रहा है। आप भी चलोगे ना, आप भी वेव प्रोड्यूस करोगे, लेकिन उसकी लैम्डा इतनी कम होती है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देती है, हमारे विजिबल रेंज में आती ही नहीं है, वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए वो महसूस ही नहीं की जा सकती। आ रहा है समझ में? तो अगर आप लोग देखोगे तो किसी भी वेव की, वेव जो होती है, कोई भी वेव होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ वेव लेंथ होता है, तो उसको वेव नेचर बोलेंगे, जिसका वेव लेंथ होगा, जैसे कि विजिबल जो वेव्स होती हैं, ठीक है, उनकी वेव लेंथ कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। आप 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में देख सकते हो, या फिर 4000 से 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक देख सकते हो। ठीक है, तो देखो जिसकी लैम्डा की वैल्यू कम है, जरा आप चेक करो, यहाँ पर जो बैंगनी पर्पल कलर आ रहा है ना, उसकी लैम्डा की वैल्यू कम है, और रेड कलर की लैम्डा की वैल्यू हाई है, लैम्डा की वैल्यू बहुत मैक्स है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो काम आती है, अगर आप देखोगे तो 799 रेड की लैम्डा की वैल्यू मैक्स है, इसका मतलब उसकी पेनिट्रेशन एनर्जी मिनिमम होती है। आगे हम रिलेशन पढ़ेंगे कि एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। तो रेड की लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन उसकी एनर्जी कम होती है, और ये विजिबल रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर तक हम लोग देख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अगर उसमें किसी भी, याद रखो, किसी भी पार्टिकल की वेव है तो उसके लिए लैम्डा डिफाइन जरूर होगा। लैम्डा का क्या मतलब होता है? लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ, क्योंकि वेव नेचर है तो वेव लेंथ तो होगी। पार्टिकल नेचर के लिए आप यहां पर किसी भी चीज की ड्यूल नेचर को अगर डिफाइन करना है, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन किया गया था। ब्लैक बॉडी क्या होता है? बेसिकली ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि अगर आप इस पे लाइट फेंकोगे तो ये हर तरह की लाइट के लैम्डा को, हर तरह की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है। और सिमिलर चीज इसको हीट करने पर भी होता है, मतलब सिमिलर नहीं, इसको अगर हीट करोगे तो ये सिमिलर बाकी की जैसे ही होता है, वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करती है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कभी देखा कि लोहार को देखा, लोहार क्या करता है, लोहे को गर्म करता है। आपने कभी गौर किया हो, लोहा वैसे ग्रे कलर का होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का डार्क होता है, ग्रे कलर का टाइप का होता है, लेकिन जब आप उसको हीट करते हो तो वो आपको रेड रेड कलर का दिखाई देता है, और ज्यादा हीट करोगे तो आपको ब्लू कलर का भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आप पूरी साइंस को पकड़ोगे तो आप कोई भी चीज को हीट करते हो ना तो वो हर तरह की रेडिएशन की लाइट बाहर निकलता है, हर तरह की वेवलेंथ की लाइट को बाहर निकालता है, लेकिन जो लाइट वो सबसे ज्यादा बाहर निकालता है वही हमें दिखती है। तो अगर आपको आयरन रेड कलर का दिखता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि उस वेवलेंथ की लाइट वो सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है। ऐसा कुछ ग्राफ आता है जिसमें ये वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा इमिट हो रही है, इस वजह से यहां पर आपको रेड दिखता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रेड कलर ही इमिट कर रहा होगा, वो सारी वेवलेंथ इमिट करता है। ऐसे ही आपकी जो ब्लैक बॉडी होती है वो भी सारी वेवलेंथ इमिट करती है। इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था, और ब्लैक बॉडी को डिफाइन करने के लिए ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई करने के लिए प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी, उसको हम लोग जरा समझे। प्लैंक ये कहता है, जनरल थ्योरी ये थी कि जो सन से रेज आ रही हैं वो सारी की सारी ना वेव नेचर रखती हैं, वो वेव की फॉर्म में आ रही हैं, समझ में आ गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। जनरल थ्योरी ये थी कि वेव की फॉर्म में आ रही है। जब पार्टिकल नेचर आया तो प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक उनका नाम था, उन्होंने अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, जो सन से एनर्जी के बंडल, सन से जो रेज आ रही हैं उनके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के बंडल है जिनको फोटोन या क्वांटम कहा जाता है, और बहुत सारे बंडल को क्वांटा कहा जाता है, इसलिए उनकी थ्योरी को प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का नाम दिया गया। तो वे कहते हैं कि आप जब धूप में खड़े होते हो, या आप धूप में खड़े हो, तो जो सन से रेज आ रही है वो ऐसे नहीं कि वेव फॉर्म में एनर्जी लेके आ रही है, ऐसा नहीं है, उनमें छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स है जिनको क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अब हर एक छोटे छोटे पैकेट के पास है ना अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने कहा कि उस एनर्जी की वैल्यू होगी E=h(nu), न्यू माने फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं C/λ, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी यानी कि इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसी की
स्पीड से आगे बढ़ती है। तो जो लेमडा की, सॉरी यहां पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वो सी बाई लेमडा है। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸, ये तो बोलते हैं मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, लाइट की जो स्पीड है। और लेमडा क्या है, यहां पर लेमडा बेसिकली उस वेव का वेवलेंथ है, और सी बाई लेमडा की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और एच की वैल्यू को प्लांक कॉन्स्टेंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻¹¹। मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आगे बढ़ रही होती है तो वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट लेके चलती है, हर एक एनर्जी के पैकेट के पास इतनी एनर्जी होती है, E=hν। समझ में आ गया? और अगर मान लो कि भैया तुम्हारे पास n मोल्स ऑफ, यहां पर अगर मान लेते टोटल नंबर ऑफ क्वांटा n है, तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो टोटल एनर्जी को निकालने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला फॉर्मूला जो आपको काम देगा, मतलब E=hν, और न्यू का वैल्यू होता है सी बाई लेमडा। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत काम देगी आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में। फिर पार्टिकल नेचर को एक और चीज डिफाइन करती है, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है, किसी भी मेटल की प्लेट पर, अगर आपने देखो हमें चैप्टर पूरा करना है, ध्यान से सुनना, जो सुनता जाएगा उसको आता जाएगा। किसी भी मेटल की प्लेट पर अगर आप लोगों ने किसी भी वेवलेंथ को यहां पर इंसिडेंट करवाया, ठीक है, जैसे ये हो रहा है प्रैक्टिकली आपको दिख भी रहा है, तो वहां से क्या होगा, वो एनर्जी को गेन करके वहां के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो यहां पर है ना फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ही कहता है कि वहां पर अगर सन की रेज आ रही है और मेटल की प्लेट पर टकरा रही है और वहां से एनर्जी लेके जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो बेसिकली वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आ रही है, क्वांटा की फॉर्म में। तो उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, E=hν। इतनी एनर्जी आप दे रहे हो, जो यहां से सनलाइट यहां से इसके ऊपर गिरा रहे हो, उसमें टोटल एनर्जी जो भी है उसके अंदर वो है E=hν। अब ये जो एनर्जी, ये एनर्जी के जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है। आ गया समझ में? तो मतलब ये है कि जो एनर्जी आप सनलाइट की फॉर्म में, मतलब जो एनर्जी उनके पास है वो सनलाइट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को जो मिल रही है, वो दो काम आएगी। पहला तो भैया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, दूसरा उसको दौड़ने में। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको ऐसे समझ सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो ना आपका दोस्त घर पे है होली के दिन और वो बाहर नहीं निकल रहा, तो तरीका क्या है, एक तो बोले ओ सुन, समझ में आ रहा है, तो ऐसा करोगे ना, सुन बाहर आ, तो सुन बाहर आ तुझे, मतलब ऐसे प्यार से बोलोगे तो सुन बाहर आ, तो खिड़की तक तो वो आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप उसको खिड़की तक लेके आ गए, मतलब उसकी शक्ल आपने देख ली। तो और पर अगर उसको साथ में आपने थोड़ा सा अपने दोस्तों यारियों में चलता है गाली दे दोगे, तो वो आपके पीछे भी दौड़ेगा। या फिर आप मान लो ओ सुन बाहर आ और आपने एक गुब्बारा लिया, कौन सा वाला, कलर भरा हुआ, और दिया उसके मुंह पे खिंचा के, तो क्या होगा, पहले तो बोला ओ सुन बाहर आ तो खिड़की पे आ गया, और फिर आपने ना खिंचा के उस पर गुब्बारा मारा, तो आपके पीछे भी दौड़ेगा। तो सेम चीज यहां पे भी होती है, मतलब ये है कि आप जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो उसके पास कितनी पावर है, क्या सिर्फ उसके पास सिर्फ बाहर निकालने की पावर है या फिर पीछे दौड़ाने की भी पावर है। तो बेसिकली जो भी आप एनर्जी देते हो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो खिड़की पे शक्ल दिखाएगा वो, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। समझ में आ गया? मतलब सिर्फ वो बाहर आएगा और एक दौड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो आप जो भी एनर्जी यहां पर इंसिडेंट हो रही है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला तो वर्क फंक्शन, यानी कि सिर्फ बाहर निकलेगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का टोटल इक्वेशन। अच्छा, ई की वैल्यू क्या हो गई भाई, जो लाइट आपने इंसिडेंट करवाई H𝛎, और वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज H𝛎0। समझ में आ गया? इसको न्यू नोट को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी लेके वो बाहर आएगा। और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर दोनों की वैल्यू रख दें तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, आप ई की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू रख दो तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, एच कॉमन निकल जाएगा, तो μ - μ0, ये काइनेटिक एनर्जी है, जो कि किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv² के बराबर होती है। तो यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल ये तरीका होता है कि जब भी कोई लाइट आप इंसिडेंट करवाते हो तो उसमें होती है एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू होती है H𝛎, वो दो काम आएगी, एक उसके वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी यानी कि बाहर मुखड़ा दिखाएगी, दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, 1/2 mv² वो होती है। तो इस तरह से आप इसको फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को समझ सकते हो। समझ में आ गया? तो ये मतलब निकलता है फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का। और यहां से आपको ये भी पता है कि फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, देखो जब आप वेव डाल रहे हो तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वही दिखाएगा जिसके अंदर पार्टिकल नेचर होगा। तो बेसिकली पार्टिकल नेचर को और पुख्ता प्रूव करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये उसकी इक्वेशन होती है, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो एच
न्यू माइनस एच न्यू नॉट ए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं एविडेंस फॉर क्वांटाइज एनर्जी लेवल। अब यहां से चीजें ना जो थोड़ी और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, जो बोहर ने अपने यू नो एक्सपेरिमेंट में काम ली थी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की थी, वो आपको समझनी है। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम कितने तरह का होता है। देखो स्पेक्ट्रम का पहले मतलब क्या होता है, अगर आप प्रिज्म देखे हो, आपने कभी प्रिज्म देखा, उस पर जब आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हो तो आपको सारे कलर बाहर निकलते दिखते हैं। ठीक है, तो वो जो कलर निकल रहे हैं बेसिकली उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर उसमें सारे कलर कंटिन्यूअस हैं, कोई भी कलर गायब नहीं है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब उसमें हर वेवलेंथ की वेव हो तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन मान लो कि यहां पर कुछ जो कलर्स है वो गायब हो गए, थोड़े बहुत कलर गायब है, थोड़े बहुत, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब कुछ कलर ही गायब कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। आपको पता है, एक बात बताता हूं, कोई भी बॉडी, जैसे मुझे ले लो, मेरी स्किन अभी आपको कैसी दिख रही है, मेरी स्किन आपको थोड़ी सी स्किनी यानी कि ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर की दिख रही है, किसी की डार्क ब्राउन दिखती होगी, कोई बहुत ही गोरा चिट्टा दिखता होगा, जैसे हमारे पुलकित सर बहुत गोरे चिट्टे हैं और हम तो गोरे चिट्टे नहीं है। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, आपको मेरा ये स्किन का कलर क्यों दिख रहा है, उसका रीजन क्या है, मे भी हो सकता है ये मैं इससे भी डार्क कॉम्प्लेक्शन हूं, मुझे रियलिटी में देखो हो सकता है मैं और भी ब्राउन कलर का हूं, लेकिन अभी आपको मैं ये क्यों दिख रहा हूं, कारण क्या है कि जो लाइट मेरी स्किन के ऊपर पड़ रही है वो यही कलर रिफ्लेक्ट कर रही है, इसी वेवलेंथ की कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको सिर्फ यही कलर दिख रहा है। समझ में आ गया? तो हर एक बॉडी पे जब भी कोई लाइट पड़ती है तो तीन चीजें होती है उसके साथ, या तो पूरा लाइट को किसी कई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, कई को रिफ्लेक्ट कर देता है, कई को रिफ्रेक्ट कर लेता है, अपने अंदर से जाने देता है, तो तीन तरह की चीजें उसके साथ हो सकती है। तो अगर वो सारी की सारी लाइटें शो कर रहा है तो उसको कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कुछ एक लाइट गायब है तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि कुछ वो ले गया। मान लो कि कुछ ही लाइटें दिख रही हैं, मतलब आप अगर इस स्पेक्ट्रम में देखोगे तो आपको एक लाइन बैंगनी, एक लाइन नीली, एक लाइन हरी और एक लाइन लाल दिख रही है, इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? तो बेसिकली कुछ ही वेवलेंथ वाली लाइट्स को वो इमिट कर रहा है भाई साहब, बाकी सारी एब्जॉर्ब कर ली। ब्लैक बॉडी जो होती है वो तो सब चीज, आपका ब्लैक होल जानते हो, ब्लैक होल, आपने ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा, ब्लैक होल में कोई भी लाइट पास ही नहीं होती है, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो। ठीक है, सो उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। और बेसिकली जब बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसने क्या किया था, हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम को लिया था, लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम की स्टडी उसने की थी और अपना क्या किया था, एक स्पेक्ट्रम की लाइन्स बनाई थी। तो उन लाइन्स का नाम क्या था, देखो उसने क्या किया, जब ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनसे जब कोई भी लाइट पहले वाले ऊपर वाले जितने भी शेल्स हैं यानी ऑर्बिट है उसमें से अगर सारी लाइट्स या सारे इलेक्ट्रॉन सीधे पहले वाले पर गिर रहे हैं तो उस सीरीज को लाइमन सीरीज बोला था। और जब उसकी वेवलेंथ की कैलकुलेशन करी गई थी तो वो वेवलेंथ आ रही थी यूवी वेव। तो लाइमन सीरीज में जो लाइट्स इमिट होती हैं वो यूवी रेज की होती है, यूवी, ठीक है, लैम्डा उनका यूवी रेज में आता है। जब ऊपर से सेकेंड वाले, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत आते हैं, ऊपर से सेकेंड वाले शेल पर गिर रहा था, सेकंड वाले ऑर्बिट पे गिर रहा था लाइंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे जो लाइट इमिट हो रही थी वो विजिबल रे में आ रही थी। समझ में आ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जितनी भी ले लो, पाश्चन सीरीज, इसको बामर सीरीज कहते हैं, बामर सीरीज विजिबल होती है, लाइमन सीरीज यूवी होती है, और उसके ऊपर जितना भी जाओगे, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफूंड, ये जितने सारे इंफ्रारेड थे। तो यहां पर आपको ज्यादातर तीन ही लाइनें दिखाई दे रही हैं, एक तो लाइमन सीरीज में यूवी रेज, एक विजिबल रे और एक IR। ठीक है, तीन के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा, तो इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये लाइन स्पेक्ट्रम यूज करके ही बोहर ने अपने सारे रिजल्ट दिए थे। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली यहां पर इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, ये रेज ही बाहर निकल रही थी लाइन स्पेक्ट्रम को डिजाइन करने के बाद बोहर ने अपने सारे रिजल्ट निकाले। तो आप लोग याद रखना है कि भैया लाइमन सीरीज में जो ऑर्बिट होता है जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन आके गिरते हैं वो 1 होता है और वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। बामर सीरीज में नंबर 2 पर आके इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, विजिबल रेज होती हैं। पाश्चन में नंबर 3 पर आकर गिरता है और इंफ्रारेड होता है। ब्रैकेट में नंबर 4 पे आके गिरता है और ये भी इंफ्रारेड होता है। पीफूंड में नंबर 5 पे आके गिरता है और ये भी इंफ्रारेड होता है। तो इस तरह से इंफ्रारेड रेज नीचे, बस उसके बाद तो इंफ्रारेड ही है। तो तीन तरह की आपको वेवलेंथ वाली वेव दिख रही है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो इसी पर से सवाल आ जाते हैं, लाइमर बामबन पास्चन ब्रैकेट पीफोन, कौन सा उनका ऑर्बिट नंबर होता है? ये है स्पेसिफिक ऑर्बिट नंबर, एक पर गिरेगा तो लाइमन, दो पे गिरेगा तो बामबन, तीन पे गिरेगा तो पास्चन, चार पे गिरेगा तो ब्रैकेट, और पांच पे गिरेगा तो पीफोन। अल्ट्रावाइलेट दिख रही है तो लाइमन, विजिबल दिख रही है तो बामबन, नियरली इंफ्रारेड है तो पास्चन, मिड इंफ्रारेड है तो ब्रैकेट, और फार इंफ्रारेड दिख रही है तो पीफोन। अब उसके लिए आप, उन्होंने क्या कहा था, कुछ रिलेशंस भी निकाले थे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद कर लो कि 1/λ ये काम आएगा आपको न्यूमेरिकल निकालने में, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ये होता है एटॉमिक नंबर की स्क्वायर, उसके बाद 1/n इनिशियल स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां गिरा है, -1/n फाइनल स्क्वायर कहां से आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये कहता है उसकी आप वेव लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1/λ को वेव नंबर कहते हैं। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई होती है, अगर आप चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, 1.0967 × 10^7 मीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। मीटर इनवर्स क्यों आया, क्योंकि 1/λ लिखा हुआ आपने, आया सबको समझ में? अब हम लोग इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर एक छोटी मोटी स्टडी बोहर को समझने के लिए जरूरी थी, अब हम चलते हैं यहां पर बोहर के मॉडल को समझते हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह सब कुछ देख लिया आपने, ठीक है, अब एक 1/λ यानी कि वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया आपने, नाउ विल सी बोहर मॉडल ऑफ एटम, ये क्या था जरा आप उसको देखो। देखो इसके कुछ पोस्टुलेट थे जो आपको समझने की जरूरत, पोस्टुलेट पे सवाल बहुत आते हैं। सबसे पहले तो उसने क्या किया था, रदरफोर्ड की बात को एज इट इज मान लिया था, उसने कहा था कि किसी भी एटम में न्यूक्लियाई होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियाई के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते हैं, समझ में आ गया, और ये ऐसे ही काटते जैसे कि सन के चारों तरफ अपने प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं, समझ में आ गया। और लेकिन उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, अच्छी बात क्या बोली थी, उसने कहा कि चक्कर तो वैसे ही काट रहे लेकिन वो एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी के साथ चक्कर काट रहे, मतलब उसने बोला सब कुछ फिक्स है, बोले एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स रेडियस के साथ, फिक्स एनर्जी के साथ, फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर काट रहे हैं, अगर सारी चीजें ही फिक्स हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं हो सकती, समझ में आ गया। आज भी आपको पता है, एक बात बताओ, हमारी धरती कितने सालों से, हमारी अर्थ कितने सालों से सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, कभी आपने देखा है कि हम लोग धीरे धीरे सन के पास जा रहे हैं, एक दिन ये चक्कर काट रही है ना, तो एक दिन सन के पास जा रहे हैं, एक दिन सन के अंदर ही डूब जाएंगे, ऐसा कभी हुआ है पिछले करोड़ों अरबों साल से? तो नहीं हुआ, हमारी धरती यूनिवर्स बहुत पुराना है, तो ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा एटम में भी नहीं होता। मतलब ये है कि आप कभी देखना कि हमारी अर्थ का ऑर्बिट फिक्स है जिसमें वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है और वो फिक्स एनर्जी फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर काटती है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स रेडियस में फिक्स एनर्जी के साथ फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर काटेगा तो वहां पर एनर्जी इमिट नहीं होगी, ये आंसर दिया उसने। और उसने एक मजेदार बात बोली, मतलब यहां पर जरा आप चेक करो, मतलब वो ये कहता है कि भैया देखो हाँ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, लेकिन अगर आप मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो, अगर आप एनर्जी प्रोवाइड की तो वो ऊपर एक्साइट होकर जा सकता है, मतलब ऊपर वाले ऑर्बिट में जा सकता है जैसा दिख भी रहा होगा, और वापस से वो अगर नीचे आना चाहे तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे निकालनी भी पड़ेगी, और वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, सेम एच न्यू। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर सीन क्या है, यहां पर सीन है कि भैया इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जा सकता है अगर एनर्जी मिल जाए, और डी एक्साइट होकर नीचे भी आ सकता है, उतनी एनर्जी उसको रिलीज भी करनी पड़ेगी, आ गया समझ में। और एनर्जी कैसे डिसाइड होती है, मान लो कि इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, उस ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, तो टोटल एनर्जी E2 तक जाने के लिए कितनी चाहिए, E2 - E1। मान लो मेरे पास 10 रुपए है, मेरे को अमीर बनने के लिए कितने चाहिए, 1 करोड़ रुपए, तो टोटल 10 रुपए तो मेरी जेब में है, तो टोटल अब कितने रुपए चाहिए, 1 करोड़ - 10, आ रहा है समझ में। तो अगर उतना पैसा मिल जाता मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऊपर चला जाऊंगा, आ रहा है समझ में। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब चलते हैं आगे, एक और इंपॉर्टेंट और जबरदस्त पोस्टुलेट उसने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि भैया यहां पर बोहर कहता है एवरीथिंग इज फिक्स्ड, और एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली वो, कहता है बोहर कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का जब उसने मास का स्टडी किया, वेलोसिटी का स्टडी किया और रेडियस का स्टडी किया, तो उसने ये पाया कि तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है जिसको एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास, उसकी वेलोसिटी और उसके रेडियस का जब उसने मल्टीप्लाई करके चीजें देखनी चाही तो किसके बराबर हो रहा था, h/2π के इक्वल आ रहा था, मतलब इसके कंप्लीट नंबर के बराबर आ रहा था। एन क्या है यहां पर, एन ए नंबर ऑफ ऑर्बिट।
तो कहता था कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो एन एच अपॉन टू पाई के इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोहर पोस्टुलेट की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कहा जाता है, इसको बोहर क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है। आप ये याद रखना, ये एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, ये सारी कैलकुलेशन बोहर ने दी थी, इसको बोहर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है यहाँ से ही आप लोग वेलोसिटी, रेडियस सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है, एनर्जी, एवरीथिंग इज यू कैन कैलकुलेट विद दिस इक्वेशन। एंड देर इज वन मोर इक्वेशन बट दिस इज द मेन इक्वेशन जो कि उसने दी थी, इसको बोहर क्वांटाइजेशन, पोस्टुलेट में बोहर क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है। एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई और डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और यहां से जब रेडियस कैलकुलेट करी तो रेडियस कैलकुलेट होके आ गई, कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है जिसमें वो चक्कर काटता है, किसी ऑर्बिट का रेडियस जिसमें वो चक्कर काटता है, उसके फॉर्मूला होता है एन स्क्वेयर बाई जेड, और बाकी जो कांस्टेंट है इनकी जब आप वैल्यू रखोगे तो वो कितना आएगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो एन स्क्वेयर बाई जेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो रेडियस निकल के आई थी वो एन स्क्वेयर बाई जेड है, ठीक है। बाकी क्या आप वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे एच स्क्वेयर, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, मास की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रखो, जब सब रख दोगे तो फाइनली आपके पास रेडियस निकल के आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, मेरे को याद है वैसे थोड़ा थोड़ा, जो एनथ ऑर्बिट का जो रेडियस था आई थिंक वो कितना था, 53 पिकोमीटर, यस 53 एन स्क्वेयर बाय जेड। देखा मेरी बुद्धि देखी तुम लोगों ने, इतना याद है, 53 एन स्क्वेयर बाय जेड पिकोमीटर, दैट इज अ फॉर्मूला यू कैन यूज टू कैलकुलेट The radius of any orbit, 53 n square by z. N क्या है? यहां पर n है number of orbit. Z क्या है? Z है atomic number. ठीक है, 53 picometer क्या है? ये तो आपको पता है, 10 to power minus का 12. ठीक है, ये radius का formula निकला. इसी तरह से velocity का formula भी निकाल दिया. ये velocity का formula इतना याद करने की जरूरत नहीं है. Nth orbit में जो electron चक्कर काट रहा है, उसकी velocity का formula होता है 2.18 into 10 to power 6. Z बाई एन मीटर पर सेकेंड, याद कर लो, काम आएगा, इसी से कैलकुलेशन होती है। अब एनर्जी के फॉर्मूले पर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनथ ऑर्बिट में उसने बोला कि सब कुछ फिक्स है, एनर्जी भी फिक्स है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? वो बोला कि एनर्जी का फॉर्मूला वेरी सिंपल है, वो कहता है ये वाला फॉर्मूला है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एनथ ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे तो वो आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप लोगों को इसका आंसर याद रखना पड़ता है, बाद में उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे फॉर्मूले थे जो बोहर ने निकाल के दिए, हमें उनके डेरिवेशन अभी नहीं देखने क्योंकि इतना समय नहीं है, बट ये फॉर्मूले बोहर ने निकाल के दिए, और अगर ये बोहर ये फॉर्मूले नहीं देता तो भाई साहब मतलब जघन्य अपराध हो जाता क्या, अच्छा होता कम से कम, बेड़ा पार होता आपका, ये चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, बट देखो कितनी मेहनत की है उस बंदे ने। देखो एक मजे की बात है, जो चीज देखो आप किससे इंप्रेस होते हो, आप उससे इंप्रेस होते हो जो चीज आपने कभी नहीं देखी वो आपको दिखा दे। आज तक किसी ने एटम को नहीं देखा, एटम को नहीं देखा तो उसके अंदर घुस के कौन देखेगा, तो बोहर ने क्या किया, बोहर इतना इंटेलिजेंट था कि अंदर घुस के उसने इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी पता कर दी, वेलोसिटी पता कर दी, रेडियस पता कर दी, कहां घूम रहा है भाई साहब, किसी ने एटम नहीं देखा आज तक। उसने सोचा बोला एटम छोड़ो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं, विजुअलाइज कराता हूं, तो मतलब बंदा जीनियस था, उसने काम किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम सुस्त क्यों हो इतने, चैट मुझे चैट तो कोई दिख ही रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, देखो आपका दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं आगे। फाइनली देखो बोहर के साथ है ना एक समस्या थी, बोहर का जो मॉडल था ना बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे एटम के लिए एप्लीकेबल था, मतलब वो हाइड्रोजन पे काम करेगा, वन इलेक्ट्रॉन मॉडल पे एप्लीकेबल था जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हीलियम प्लस उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि लिथियम प्लस टू उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम प्लस थ्री उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होएगा ना बोहर का मॉडल उस पर काम करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि लिमिटेशन बोहर की ये थी कि उसका 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 जो मॉडल था वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी पे काम ही नहीं करता था। अगर बोलूं हीलियम पे काम करेगा, नहीं, बेरिलियम पे काम करेगा, नहीं, लिथियम पे काम करेगा, नहीं, क्योंकि इनके पास लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास चार इलेक्ट्रॉन, आप तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो बेरिलियम में से तब काम करेगा, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब काम करेगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उन स्पीसी पे काम करेगा, अदरवाइज बोहर का मॉडल काम नहीं करता था, क्योंकि उसने सिर्फ ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था, समझ में आ गया, ऑर्बिटल्स और सब सेल, सब शेल, सब ऑर्बिटल उनका कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। तो मतलब वो सारी चीजें जो है ना बेसिकली वो जितने भी फॉर्मूले उसने कैलकुलेट किए एनर्जी को छोड़ के बाकी फॉर्मूले फेल हो गए।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ड्यूल बिहेवियर पढ़ते हैं मैटर का, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। डी ब्रोगली एक ऐसा आदमी था जो कि दोनों का दोस्त था, किस किस का दोस्त था, वो हेजनबर्ग का दोस्त था और अल्बर्ट आइंस्टाइन का दोस्त था और साथ में प्लांक का भी दोस्त था। तो प्लांक ने तो नाम कर लिया, अपनी क्वांटम थ्योरी दे दी, भाई आइंस्टाइन का तो वैसे ही नाम था। तो डी ब्रोगली ऐसा था, सुस्त दोस्त था, बोले आप मुझे तो कोई नहीं जानता तो मैं भी कुछ करूं। तो उसने क्या किया ना, दोनों इक्वेशन को यूज किया, कौन सा, आइंस्टाइन की इक्वेशन थी ई स्क्वायर टू एमसी स्क्वायर, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी, ई स्क्वायर टू एमसी स्क्वायर। और इसी तरह से जो अपने प्लांक भाई साहब थे उनकी इक्वेशन क्या थी, एच न्यू, बोले है तो दोनों एनर्जी ड्यूल नेचर रखते हैं, हर एक मैटर का पार्टिकल ड्यूल नेचर रखता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, तो दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो उसने बोला E = mc², ये भी एनर्जी है, एच न्यू भी एनर्जी है, एच सी बाई लैम्डा भी एनर्जी है, इन दोनों को बराबर रख दो, भाई ये भी एनर्जी है ये भी एनर्जी है, और न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाई लैम्डा, ये वैल्यू रख दो तो यहां से ये कट गया। तो फाइनली यहां पर क्या निकल के आ रहा है, यहां पर लैम्डा की वैल्यू बाहर निकाली, λ = h/mc, ये इक्वेशन लेके चला गया। mc क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वो कहलाता है बेसिकली p, यानी कि मोमेंटम। तो यहां पर ये इक्वेशन निकाल दी, λ = h/p, ये बहुत ही बिंदास इक्वेशन निकाली, लेकिन उसने यहां पर सी रखा था। जब वो ये लेकर उसके पास गया, अपना क्या नाम था उस भाई का, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बोला सी की जगह तू वी रख दे, तो जब तू सी की जगह वी रख देगा तो ये सारी जितने भी यूनिवर्स में बॉडीज हैं सब पे एप्लीकेबल होगा। तो फाइनली उसने बोला कि λ = h/p, पी होता है, एच है हमारे पास प्लांक कांस्टेंट, पी है हमारे पास मोमेंटम, और पी यहां पर क्या होगा, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब आप इसको किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, जब आपने वी की जगह सी लिखा हुआ था तब आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर अप्लाई करते थे। तो बेसिकली ड्यूल नेचर होता है, यहां पर साफ पता लग रहा है किसी भी पार्टिकल का ड्यूल नेचर होता है, क्योंकि उसमें लैम्डा भी होता है और उसमें मास भी होता है। आप देखो मोमेंटम उसी के पास होता है ना जो पार्टिकल नेचर रखेगा, और लैम्डा उसी के पास होता है जो वेव नेचर रखेगा। तो λ = h/p, ये इक्वेशन किसने दी थी, डी ब्रोगली ने, और डी ब्रोगली ने बहुत बड़ी समस्या खत्म कर दी थी। यहां पर mbr = nh/2π, इसका प्रूफ नहीं मिल रहा था कि क्यों हो रहा है, ये डी ब्रोगली ने ढूंढ के दिया था, आइंस्टाइन ने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया था, बट इक्वेशन बहुत काम की है जो आपको आगे काम आएगी। अब हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी समझो, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन, मेरी बात को समझना। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेने वाला था लास्ट सैटरडे को या लास्ट फ्राइडे को, लेकिन नहीं ले पाया, मेरा सब कुछ तय था, प्रोग्राम तय था, लेकिन नहीं ले पाया, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आई, कभी बरसात आई, कभी मेरी तबीयत खराब हो गई, समझ में आ रहा है। तो पर ये जो हमारे बोहर भाई साहब है वो क्या कहते हैं, बोहर भाई साहब ये कहते हैं कि भैया देखो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, वो कहता है कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, फिक्स रेडियस के साथ और फिक्स एनर्जी के साथ, समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज फिक्स। मतलब ये हुआ कि अगर सब कुछ चीजें फिक्स है, अगर कोई आपको कह दे, सपोज करो कि अगर आपको कोई कह दे कि मैं हमारे प्रधानमंत्री एकदम फिक्स समय पे, मतलब फिक्स समय पे, मतलब सुबह 8 बजे तुम्हारी गली के आगे से निकलेंगे, तो आपने क्या किया, और वो स्पीड भी बता दो किस स्पीड से निकलेंगे, तो तुम उनको जाके देख सकते हो, मालूम पड़ जाएगा ना कि कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे और कहां से निकलेंगे। जब एवरीथिंग इज फिक्स देन यू कैन मीट नरेंद्र मोदी जी, समझ में आ रहा है, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हो, तो वो तो होगी सारी फिक्स बात। लेकिन मान लो कल को, मान लो कि भाई गलती से उन्हें कहीं जाना पड़ गया, या ऐसा मान लो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वॉट एवर, तो देर इज एन अनसर्टेनिटी ना, समझ में आ रहा है, मतलब मैं आज आया नहीं आया, मेरी कुछ मजबूरी हो जाती, मैं भी नहीं आता, तो देर इज एन अनसर्टेनिटी लाइफ, समझ में आ रहा है, कि भगवान पे भरोसा नहीं करने वाले कहते कि एवरीथिंग इज सर्टेन। हमारे आइंस्टाइन तो ये भी कहते थे कि भैया कोई मक्खी उड़ रही है, अगर उस मक्खी के उड़ने के पाथ को अच्छे से स्टडी किया जाए तो हम लोग ये बता सकते हैं कि मक्खी अब कहां जाके बैठेगी। लेकिन हेजनबर्ग कहता है कि भाई साहब थांबा, एवरीथिंग इज नॉट फिक्स्ड, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इस यूनिवर्स को कोई चला रहा है और वो किसी को नहीं पता, तो अपने आप को भगवान मत समझो। तो हेजनबर्ग कहता है भैया अनसर्टेनिटी हर जगह लाई करती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसने बोला कि हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही थी कि भैया बोहर भाई साहब थांबा, तुम कहते हो कि इलेक्ट्रॉन फिक्स वेलोसिटी से घूमता है, फिक्स रेडियस से घूमता है, फिक्स एनर्जी से घूमता है, तो मतलब ये कि मैं इलेक्ट्रॉन को पता कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन को देख सकता हूं, फिर तो आज तक क्यों नहीं दिखा इलेक्ट्रॉन, कभी सोचे हो तुम? क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछो, मेरी बात अगर मुझसे पूछो कि मैं कहां रहता हूं, मैं बैंगलोर रहता हूं, तो क्या मुझे तुम बैंगलोर में ढूंढ लोगे? नो। अच्छा अब तुम्हें पता लग जाए कि मैं बैंगलोर में कहां रहता हूं, अच्छा मैं या तो वेदांतु के ऑफिस मिलूंगा या मैं मेरे फ्लैट पे मिलूंगा, अब तुम्हें दो चीजें पता लग गई। तो क्या मैं तुम्हें वेदांतु में या फिर फ्लैट में मिल ही जाऊंगा जब तुम आओगे? गारंटी तो नहीं है। तुम्हें मेरी रहने की जगह पता है, एवरीथिंग यू नो,
लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं मिलूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की तुम फिक्स वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस जो भी बता रहे हो, तुम कहते हो कि भैया इलेक्ट्रॉन तुम आ जाके मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन आज तक ढूंढ लेना चाहिए था लोगों को, आज पता लगा लेना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं पता लगाया जा सका। समझ में आ रहा है? उसकी जगह को, उसकी वेलोसिटी और रेडियस को फिक्स बताने वाले लोग गलत थे। देयर इज एन एवरीथिंग इज अनसर्टेन। वो ये कहता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को पता नहीं कर सकते। मतलब वो ये कहता था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के केस में, ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के केस में आप उसकी पोजिशन और उसके मोमेंटम को एक साथ पता नहीं कर सकते। यू कांट कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट मूवमेंट एट द सेम टाइम फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, नहीं पता कर सकते आप। तो उसमें कितनी गलती करोगे आप, उसकी पोजीशन को पता करने में और उसकी मोमेंटम को पता करने में एटलीस्ट एच अपॉन 4 पाई, इतनी गलती तो करोगे ही करोगे। ये मिनिमम गलती है, उससे ज्यादा गलती भी हो सकती है। मतलब ये कह दिया कि मैं 9 बजे आऊंगा, फिक्स नहीं है, 9:01, 2 सेकंड या 9 बजे से पहले भी आ सकता हूं। तो देर इज इन एवरीथिंग देर इज अनसर्टेनिटी लाइन। अब ये कहता है कि भाई साहब ऐसा है, तुम इतनी गलती तो करोगे, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और मोमेंटम को एक साथ पता नहीं किया जा सकता। मजे की बात, हाँ उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पर मिलने की वो पता कर सकते हो। मेरी बात को समझो, मैं आपको, मैं कहां रहता हूं, मेरे घर या वेदांतु के ऑफिस, पर गारंटी नहीं है कि मैं आपको मेरे घर और वेदांतु के ऑफिस मिल जाऊंगा। लेकिन हां, ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर मेरे पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए हेजनबर्ग ने कहा भैया तुम इतनी गलती तो करोगे, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजिशन को पता नहीं कर सकते। आप क्या पता कर सकते हो? आप ये पता कर सकते हो कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहां है, और इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पाए जाने वाली संभावना जिस जगह पर है उसी को उसने क्या नाम दिया, ऑर्बिटल। ये था हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहता है कि भैया सब कुछ फिक्स नहीं है, तुम रुक जाओ थांबा, समझ में आ रहा है? तुम जो सोचते हो कि तुम भगवान हो गए, एवरीथिंग इज फिक्स, दैट इज नॉट फिक्स। तुम इतनी गलती करोगे, कैलकुलेशन तुम एग्जैक्ट कर ही नहीं सकते हो। मतलब कहता है इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजिशन और मोमेंटम का पता तुम कर ही नहीं सकते हो, और तुम लोग एच अपॉन 4 पाई के बराबर गलती करोगे। समझ में आ रहा है? तो देर इज इन एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अनसर्टेनिटी लाए। कहता है आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी का पता कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां सबसे ज्यादा है उनको ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे मेरे बेंगलोर में मेरे पाए जाने की संभावना कहां है, मेरा घर पे या फिर वेदांतों के ऑफिस, तो मेरे लिए वो ऑर्बिटल हो गए, बट गारंटी नहीं है कि मैं मिल जाऊंगा, मैं कहीं और गया हो सकता हूं। समझ में आ रहा है? मैं कहीं और जा सकता हूं। इज इट क्लियर? तो अब हम चलते हैं ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पे। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है? और ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऑर्बिटल्स आर दोज प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उनको ऑर्बिटल कहा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हम चलते हैं आगे, क्वांटम नंबर्स की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हमारी बड़ी बड़ी सारी थ्योरी खत्म हो गई, अब मेन चीज आता है क्वांटम नंबर्स। नाउ क्वांटम नंबर, मेरी बात को सुनना, अगर आप मुझे पाना चाहते हो, मेरा पता करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना चाहते हो कि मैं कहां हूं, तो क्या करोगे आप? पता करोगे मेरा गली का नंबर। बैंगलोर रहते हैं तो सबको पता है एटम, बैंगलोर एक तरह का एटम हो गया, समझो। ये अगर आप, मैं मान लो इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है, आई एम इलेक्ट्रॉन, अगर आप मेरे पास पहुंचना चाहते हो तो क्या करना होगा? तो ये बैंगलोर हो गया, आप बैंगलोर आ गए। बैंगलोर आने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, आपको क्या करना पड़ेगा, बैंगलोर में किस गली में रहता हूं ये पता करना पड़ेगा। यानी कि आपको स्ट्रीट नंबर का पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? स्ट्रीट नंबर। अच्छा, उस गली में कौन से घर में रहता हूं ये भी पता करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आपको हाउस नंबर पता करना पड़ेगा, ठीक है। उस घर में कौन से कमरे में सोता हूं ये पता करना पड़ेगा कि ये कमरा है, तो आपको रूम नंबर पता करना पड़ेगा, सही है। उस रूम नंबर में 2 बेड लगे हुए हैं, अब ये रूम है, अब इस रूम नंबर पे 2 बेड लगे हुए हैं। मान लो तुमने मेरी शक्ल कभी नहीं देखी है, तो मैं कौन से बेड पे सोता हूं, तो आपको बेड नंबर भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 4 चीजें चाहिए मेरे पास एग्जैक्ट मेरे सिर पे बैठने के लिए, 4 चीज। मैं कौन सी गली में रहता हूं, मैं कौन से घर में रहता हूं, मैं कौन से रूम में रहता हूं, और मैं कौन से बेड पे सोता हूं। अगर आपको पता लग गया तो मेरे बेड पे आके तुम बैठ जाओगे, भैया यही अरविंद अरोड़ा सर। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में कैसे बोलते हैं, देखो केमिस्ट्री में किसी भी इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए। एक तो स्ट्रीट नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हाउस नंबर, जिसको बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रूम नंबर, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो था बेड नंबर, कौन से बेड पे सोया पड़ा है, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो चार क्वांटम नंबर होते हैं एन एल एम एस, ठीक है। सो ये चार क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये पूरा अगर आपको पता लग जाए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता कर सकते हो, बट गारंटी नहीं कि वो वहां मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। बस हाँ, उसके सिराने पे जाके बैठ सकते हो, कभी तो आएगा सोने। तो मतलब ये है कि अगर आपको मेरा कोई स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, रूम नंबर, बेड नंबर बता दे तो मैं गारंटी नहीं बेड पे सोया मिलूंगा। मैं सुसु करने के लिए टॉयलेट पे भी जा सकता हूँ, मैं नहाने के लिए कहीं और भी जा सकता हूँ। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? तो अब बस आपको क्या करना है, उस बेड पे आके बैठ जाओ, मैं कभी ना कभी तो आऊंगा। सो मैक्सिमम पाए जाने की संभावना है वो सिर्फ, वी कैन ओनली चेक दी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कि हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बट गारंटी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हम लोग एड्रेस पता कर सकते हैं, एड्रेस को क्वांटम नंबर से दिखाया जाता है। तो क्वांटम नंबर होते हैं चार, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो अजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। सबको पढ़ लो। पहला तो जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो बताता है कि भैया तुम्हारा शेल क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, शेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक से शुरू होता है इसका नंबर, शेल नंबर वन, शेल नंबर टू, शेल नंबर थ्री, शेल नंबर फोर, इनको के एल एम से भी लिखते हैं, शेल के एल एम एन। समझ में आ गया? अब जैसे जैसे शेल का नंबर इंक्रीज होता है, साइज भी बढ़ने लगता है और एनर्जी भी बढ़ती है, और एनर्जी का फॉर्मूला सेम है जो बोहर ने निकाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, -13.6 वाला, याद है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। So, ये फॉर्मूला एज इट इज लगता है, ठीक है। अब आते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर पर। अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि सबशेल कौन सा इलेक्ट्रॉन का, मतलब स्ट्रीट पता लग गया, घर कौन सा है, ठीक है, सबशेल, सबशेल कौन सा है। इससे आपको पता लगता है कि भैया शेप क्या होगी। अगर आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर पता है तो आप शेप पता कर सकते हो। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, शेल के अंदर सबशेल कैसे पता होता है। अगर मान लो कि फर्स्ट शेल है तो उसमें सबशेल होगा 1s, अगर सेकेंड शेल है तो सबशेल कितने होंगे 2s एन टू पी, अगर थर्ड शेल है तो सबशेल कितने होंगे 3s, 3p, 3d, ये सबशेल है। अब आपको मैं मजेदार बात बताता हूं, अगर कोई s सबशेल की बात कर रहा है तो उसके लिए अजीमुथल नंबर होता है 0, अगर कोई p सबशेल की बात कर रहा है तो अजीमुथल नंबर होता है 1, d सबशेल की बात कर रहा है तो अजीमुथल नंबर होता है 2, f सबशेल की बात कर रहा है तो अजीमुथल नंबर होता है 3। समझ में आ गया? तो देखो, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि उसमें सिर्फ 1s ही होता है। पहले ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सबशेल होता है, 1s, सब ऑर्बिट होता है 1s, तो l की वैल्यू कितनी हुई 0। दूसरे ऑर्बिट में टोटल दो सब ऑर्बिट होते हैं, कौन कौन सा, 2s एंड 2p, तो l का वैल्यू कितना हुआ 0 एंड 1, 2s एंड 2p, तीसरे के अंदर तीन होते हैं 3s, 3p, 3d, तो l की वैल्यू कितनी होगी 0, 1, 2, क्योंकि s के लिए 0 लिखते हैं, p के लिए 1 लिखते हैं, d के लिए 2 लिखते हैं। अगर आपका शेल नंबर 4 है तो उसके अंदर टोटल सब शेल कितने होंगे 4s, 4p, 4d, 4f, यही होंगे। s के लिए 0 लिखते हो, p के लिए 1 लिखते हो, d के लिए 2 लिखते हो, f के लिए 3 लिखते हो। इस तरह से अजीमुथल क्वांटम नंबर यूज होते हैं। अब आ जाओ, अजीमुथल क्वांटम नंबर की खास बात क्या है, 0 यानी कि s, 1 यानी कि, अगर l की वैल्यू 0 है तो s की बात कर रहे हो, 1 है तो p की बात कर रहे हो, 2 है तो d की बात कर रहे हो, 3 है तो f की बात कर रहे हो, 4 है तो g की बात कर रहे हो। अब p सबशेल जो है ना आपके, देखो s सबशेल आपका स्फेरिकल होता है, गोल, एकदम अंडाकार। p सबशेल आपका कैसा होता है, ऐसा, डंबल शेप। d सबशेल आपका डबल डंबल शेप, और f सबशेल तो दिखाने लायक ही नहीं है, वो एकदम कंफ्यूजिंग सी स्ट्रक्चर होती है उसकी। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं पी, ये आपका सबशेल है, तो पी के अंदर है ना टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, px, py एंड pz, ये तो तुम पढ़े हो। पी के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz, ये तो तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है। अच्छा, पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 1, सबको समझ में आया, 1, और 1 के हिसाब से आप देखो आपके m की वैल्यू कितनी है, 3, यही तो होते हैं आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको किसको दिखाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। अगर l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू 3 आना चाहिए, कैसे आएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे, तो m का फॉर्मूला l के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 2l+1, नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका, अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है, m
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालोगे, 2L+1, और उनके नाम कैसे दोगे, M की वैल्यू नाम दी जाती है माइनस L से लेके प्लस L, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नाम देने का तरीका अलग होता है। पहली बात तो कितने हैं, फिर कौन से हैं, कितने हैं तो कितने का फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, 2L+1, कौन से हैं तो उसका निकालने का तरीका क्या है, माइनस L से प्लस L। तो मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके पास L की वैल्यू है 2, तो आप किसकी बात कर रहे हो, L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, S के लिए 0 होती है, ये P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है। अब आपको भी पता है कि D के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, zx2, yz, dz2। अब आप बताओ कि क्या 5 कैसे निकालोगे, m की वैल्यू कितनी होगी, 2l+1, 2 × 2+1 कितना हो गया, 5 आ गया। अब वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे माइनस एल से प्लस एल, यानी कि माइनस 2 से प्लस 2, ये उनके नाम होंगे, माइनस 2 से प्लस 2 उनके नाम होंगे, मतलब उनके नाम क्या होंगे, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2, ये 5। बहुत बढ़िया चीज है जो बहुत आसान भी है, समझ में आया भाई। हर L के लिए M के वैल्यू कितने होंगे, 2L+1, कौन से होंगे, माइनस L से प्लस L, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिखा गया है यहां पर, तो फॉर्मूला यूज किया गया है 2L+1, और कौन से होंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज किया है माइनस L से लेके प्लस L। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा अब आ जाओ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा प्लस हाफ, और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा माइनस हाफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मतलब निकलता है, गॉट इट, गॉटचा, अमेजिंग। अब हम चलते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल की तरफ, ऑर्बिटल के शेप कैसे होते हैं। देखो एस जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, पी ऑर्बिटल में पी एक्स एक्स डायरेक्शन में डंबल शेप का बनाना है, पी वाई वाई डायरेक्शन में डंबल शेप का बनाना है, PZ Z डायरेक्शन में डंबल शेप का बनाना है, डंबल शेप होता है। अच्छा D ऑर्बिटल कैसे होते हैं, अगर मैं बात करूं DXY की, तो ये X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में आपको डबल डंबल बनानी है, बीच में डबल डंबल। अगर XZ की बात करूं तो आपको X एक्सिस और यहां पर Z एक्सिस, ये देखो X और Z एक्सिस के बीच में आपको डबल डंबल बनाने हैं। अगर मैं बात करूं DYZ तो आपको Y एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में डबल डंबल बनाने हैं। अगर मैं बात करूं dx2 y2 तो इसका मतलब वो x और y एक्सिस के ऊपर बनेंगे, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, इनके ऊपर डबल डबल डंबल बनाने हैं। अगर मैं बात करूं z स्क्वायर की तो आपको z एक्सिस में एक डंबल और एक डंबल ऐसा घूमता हुआ सुदर्शन चक्र के जैसा ऐसा, ठीक है। तो अब चलते हैं ऑफ बाउ रूल की तरफ। ऑफ बाउ रूल क्या होता है, देखो भैया ऑफ बाउ रूल जो है ना, देखो ऑब्वियसली यार मान लो आपके घर पे किसी की शादी है, आपके घर पे किसी की शादी है, तो आप यार आपके आपने ना मल्टी स्टोरी घर ले रखा है, सपोज करो कि आप मल्टी स्टोरी घर ले रखा है ऐसा, है ना, ये घर पे किसी की शादी है, मल्टी स्टोरी घर ले रखा है शादी से, ये पहला पहला बिल्डिंग, पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, ऐसे करके ऊपर तक बना हुआ है। अब पूरी शादी खत्म हो गई, पूरी शादी जब खत्म हो गई तो आप खुद बताओ कि जो आपका पहला मेहमान होगा थका हरा होने के बाद वो कहाँ पे जाके रुकना पसंद करेगा। पहले तो वो ग्राउंड फ्लोर पे जो कमरे खाली हैं वो रुक जाएंगे, मान लो ग्राउंड फ्लोर। क्यों ऐसा, क्यों किया उन्होंने ऐसा, वो इसलिए किया क्योंकि उनके पास अब एनर्जी नहीं है, तो जिसकी लोएस्ट एनर्जी है उसमें जाके रुकेंगे। मान लो ग्राउंड फ्लोर पूरा भर गया तो अब जो मेहमान आएंगे वो कहाँ रुकेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे। अब फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पूरा भर गया तो मेहमान आएंगे कहाँ रुकेंगे, सेकेंड फ्लोर पे। तो मतलब क्या हुआ, ओबाव ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका क्या है, जिसकी एनर्जी सबसे कम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। समझ में आ गया, सिंपल, लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दैट्स इट। और इसके लिए आप n प्लस एल रूल का फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होती है, ठीक है, लो है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। मान लो n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, इन दैट केस आप n की वैल्यू से कंपैरिजन करते हो। समझ में आ गया, जैसे कि मान लो आपके पास दिया हुआ है 3s एंड दिया हुआ है 2p, अगर मैं बोलूं कि 3s के लिए n का वैल्यू कितना है तो 3, L का वैल्यू कितना है 0, 2P के लिए N का वैल्यू कितना है 2, L का वैल्यू कितना है 1, टोटल करो 3+0 कितना होता है 3, 2+1 कितना होता है 3, दोनों के नंबर सेम आ गए, N प्लस L का जो टोटल किया वो सेम आ रहा है। इन दैट केस N की वैल्यू जिसकी कम है उसका एनर्जी कम होगा, N की वैल्यू कम किसकी है, ये रहा भाई साहब, तो इसका मतलब 2P की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3S, ये प्रूव हो गया। उसके अलावा उसने अपने खुद का एक ऑफ बाउ रूल भी दिया, वो कहता है कि सबसे पहले सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, फिर 2s का नंबर आता है, ऐसे करके चलना है आपको, यूं
2s, फिर आता है 2p3s, फिर आता है 3p4s, फिर आता है 3d, 4p, 5s, इसको याद करने का तरीका मैंने बहुत बार बताया हुआ है, इसी को ओबाव रूल कहते हैं। अब आते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली भाई साहब ये कहते हैं कि भैया देखो, किसी भी एटम में ना दो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस सेम नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तीन सेम होते हैं लेकिन चारों सेम नहीं हो सकते, उस दो इलेक्ट्रॉन का एन सेम हो सकता है, एल सेम हो सकता है, एम सेम हो सकता है, लेकिन एस की वैल्यू तो डिफरेंट होगी ही होगी। समझो, मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुम्हारे घर में दो लोग रहते हो, तुम दो भाई हो, मैं अगर पूछूं कि ये दोनों भाइयों का एड्रेस सेम है, क्या वो सेम स्ट्रीट में रहते हैं? स्ट्रीट सेम होगी। होम सेम है? हाँ। रूम सेम है? हाँ। लेकिन क्या एक ही बेड पे सोते हो? क्या चल रहा है ये? बेड तो अलग अलग देंगे ना बापूजी। तो बेड अलग अलग दे रहे हैं, इसका मतलब उनका क्या, स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो गया। माता लाडला बिगड़ गया वो नहीं है, तो माता लाडला बिगड़ा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की दुनिया में दो बच्चों को अलग अलग बेड दिए जाते हैं। तो ये कहता है कि भैया ऐसा है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, अजीमुथल सेम हो सकता है, मैग्नेटिक सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर तो अलग होगा ही होगा। तो पाउली ये कहता है कि किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की क्या नहीं सेम हो सकती, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक का प्लस हाफ होएगा तो दूसरे का माइनस हाफ होएगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये तय है। मादा लाडला बिगड़ता नहीं है इत्थे, समझ में आया? तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। पाउली का मतलब ये है कि पाउली ये भी बात बोलता है कि कोई भी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता किसी एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घूम रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज तो आएगी नहीं। समझ में आ गया? इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। अब आता है हुंड रूल। हुंड रूल भी बहुत स्पेशल था। हुंड भाई साहब क्या कहते हैं, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका होता है, ऐसे थोड़ी तुम कुछ भी भरते जाओगे। वो ये कहता है कि अगर मान लो कि अगर बात करें पी की, तो पी सबशेल में पी तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे तो एक इसको दोगे तो फिर ऐसा नहीं कि दूसरा इसी को दे दोगे, दूसरा यहां भरोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ताकि कोई नाराज नहीं हो जाए, तीसरा यहां भरोगे। भाई ये ऐसा ही है, अब मान लो आपके घर पे शादी है, समझ में आता है, और मैं कहता हूं कि पहले फ्लोर पे तीन कमरे हैं और आपने बोला कि हर एक कमरे में दो लोग रुक सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकल चीज है। लोग कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, केमिस्ट्री में चीज बड़ी प्रैक्टिकल है। मैं आपसे कहूं कि आपके घर पे शादी है और आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले ली और पहले जो पहला वाला ग्राउंड फ्लोर है उसमें तीन कमरे हैं और ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हर एक कमरे में दो लोग रुक सकते हैं, तो अगर कोई पहला आदमी आया तो वो क्या ट्राई करेगा? क्योंकि पहला आदमी आ रहा है तो वो ये ट्राई करेगा कि भैया चलो पहला रूम ले लो, तो आ जाएगा। अगर दूसरा आदमी आया, मेंटेलिटी देख रहा, अगर दूसरा आदमी आया क्या वो गेट खोलने की कोशिश करेगा? हाँ, खोल के देखेगा, पर जब उसको पता लगा कि वहां पर कच्चे बनियान टंग रहे हैं, पहले से कोई आदमी है, तो क्या वो उस रूम में रुकेगा? नहीं, वो दूसरे रूम में जाएगा, वहां पर जाके रुकेगा। सही बात है? तो यहां रुक गया। अब मान लो कोई तीसरा आदमी आया, उसने पहले वाले रूम में जाके झांक के देखा, उसको देखा भाई कच्चे बनियान सूख रहे हैं यहां, तो आदमी रुका हुआ है। दूसरे वाले में गया, उसमें भी कच्चे बनियान सूख रहे थे तो उसमें भी रुका हुआ है। जब तीसरे वाले में गया तो वो साफ सुथरा लगा, तो यहां रुक गया। तो बेसिकली यहां पर हुंड रूल फॉलो हो रहा है। हुंड यही तो कहता है कि भाई जब एनर्जी सेम है, दो कदम चल के आगे वाले रूम में रुक जाते हैं, क्योंकि एक एक आदमी तो रुक ही सकता है। अब अगर चौथा आदमी आएगा तो ही हैज नो चॉइस, वो पहले कमरे में जाएगा कच्चे बनियान सूख रहे, दूसरे कमरे में जाएगा कच्चे बनियान सूख रहे, तीसरे कमरे जाएगा कच्चे बनियान सूख रहे, तो कहेगा छोड़ो रे यार तीनों में कच्चे बनियान सूख रहे हैं, एक कच्चा एक बनियान सूख रहा है, इसका मतलब दूसरा कच्चा दूसरा बनियान तो नहीं सूख रहा, इसका मतलब इसमें एक एक आदमी है, तो कहेगा चलो यहीं पे अपना बैग पसार देते, तो फिर वो यहां रुकेगा। अब वो कहीं भी रुक सकता है, आपकी मर्जी है। बट वो ये हुंड यही कहता है कि पेयरिंग आप तभी करोगे जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन भर दोगे, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। तो मैं प्रैक्टिकलिटी पे बहुत बिलीव करता हूं। तो ये जो फंडे हैं वो कहीं मिलेंगे नहीं आपको यूट्यूब पे, वो हमारे यहीं मिलेंगे स्पेशल अरविंद अरोड़ा की क्लास में। समझ में आ गया? ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है और आपको भी पता है कि ऐसा होता है। जाओ, कभी शादियों में गए नहीं हो क्या तुम लोग? जाओ तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो इसको हुंड रूल बोलते हैं। हुंड रूल ये कहता है कि भैया कमरे भरने के तरीके होते हैं, पहले जब तीनों को एक एक दे दोगे तब आएगा कोई दूसरा, अदरवाइज नहीं भरोगे। इसको हुंड रूल कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अच्छा, उसी के हिसाब से स्टेबिलिटी की बात भी कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भरते हो तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर कोई चार इलेक्ट्रॉन वाला दिख रहा है और अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देख के उसको क्या करो, हाफ फिल्ड कर दो और साथ में उसको ज्यादा स्टेबल कर दो।
इज इट क्लियर? तो ये तरीके होते हैं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं ये कहां पे रूल लागू होता है। तो अब इस हिसाब से अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको दो ही केस कराऊंगा, एक तो क्रोमियम का और एक कॉपर का। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अब कैसे भरोगे? 24 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले किसका नंबर आएगा? पहले अपन क्या लगाएंगे? ऑफ बाउ रूल। 1s में दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, अच्छा s में दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हमें 24 भरने, पहले 1s का नंबर आएगा, दो भर दिए। फिर किसका नंबर आएगा ऑफ बाउ के हिसाब से? 2s का, दो भर दिए। फिर किसका नंबर आएगा, सॉरी 2p का, 2p का, फिर कितने भरे आपने? 6, क्योंकि p में आप 6 भर सकते हो। फिर किसका नंबर आएगा? 3s का, कितने भरोगे? 2। फिर किसका नंबर आएगा? 3p का, कितने भरोगे? 6। अब देखो कितने हो गए, 6, 10, 18 हो गए। फिर आता है क्या 3d का नंबर? नहीं, आप जाके चेक करो, 3d का नंबर नहीं आता, 4s का नंबर आता है एनर्जी के हिसाब से। ओ बाउ का रूल निकाल लो, पीछे चलते हैं। ये ओ बाउ का रूल है, जरा आप चेक करो, देखो आप जरा ध्यान से, ये देखो 2p के बाद किसका नंबर आ रहा है? 3s, 3s के बाद 3p का, 3p के बाद का 3d का नंबर आ रहा है? नहीं, 4s का नंबर आ रहा है। तो एनर्जी आप लिखोगे सीक्वेंस में ही, ठीक है, 3p के बाद मैंने 3d लिखा है और फिर 4s लिखा है, लेकिन मैं पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरूंगा? 4s में। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 2। फिर कितने बच गए? 18 और 2 20 हो गए, 4 बच गए, मैंने 4 यहां भरे। भरने का तरीका देखो, स्मार्टनेस इसी को बोलते हैं। आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करना, बस जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर दो, बात खत्म। मैंने पहले 4s में भरे, फिर आया मैं 3d में, तो बाहर जाके अंदर आना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि पहले बाहर जाते हैं क्रोम में, फिर अंदर आते हैं, ये सब बहुतों के साथ होता है। पर यहां पर सीन क्या, देखो 3d के अंदर 4 है, तो आपकी स्टेबिलिटी के लिए एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को यहां पर डाल दिया गया ताकि ये कॉन्फिगरेशन ठीक हो जाए। तो यहां से यहां तक तो ठीक था, 3d के अंदर 5 कर दिए गए ताकि हाफ फिल्ड हो जाए, और 4s में एक ही रह गया। तो ये आपकी अपडेटेड एकदम करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम के केस में, 3d5 4s1, ठीक है। कॉपर पर आते हैं, 29 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले किसमें भरोगे? 1s2, फिर किसमें भरोगे? 2s2, फिर किसमें भरोगे? 2p6, फिर किसमें भरोगे? 3s2, फिर किसमें भरोगे? 3p6, फिर आएगा 3d का नंबर, फिर आएगा 4s का नंबर, मतलब 3d लिखा जाता है फिर 4s लिखा जाता है, बट 4s की एनर्जी कम है, तो मैं वहां 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। अभी कितने हो गए जरा बताओ मुझे, 18 और 2 20 हो गए, लास्ट में 9 यहां भरे। अरे 9 क्यों भर रहे हो, एक भर दो यहां से उठा के, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचता है? 3d10 एंड 4s1। इस तरह से कॉपर को लिखा जाता है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट आता है 3d10 एंड 4s1, क्रोमियम में आता है 3d5 एंड 4s1। क्यों किया? क्योंकि हाफ फुल्ड फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये तरीका है। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारी चीजें सीखे हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा अभी, आई थिंक क्लियर हो गया हो तो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मजा आया ना सब लोगों को? अगर मजा आया हो तो देखो दिल खुला रख के लाइक जरूर करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, देखो 1200 लाइक आ गए हैं अभी तक, दैट्स रियली ऑसम। तो दिल खुला रख के लाइक जरूर करो, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, और आप दिल खुला करके लाइक ही नहीं करते तो मजा नहीं आता। कितनी सारी चीजें मैंने आपको सिखाई, आपने जरा सोचा, आपने कच्चा बनियान कभी सुना था? ऐसा एग्जांपल सुना कभी आपने? कभी इस तरह से कभी हुंड रूल सुने हो? कभी ऑफ बाउ रूल सुने हो? पाउली रूल सुने हो? कोई नहीं बताएगा आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग वे से मैंने आपको चीजें बताई, मैंने आपको समझाया कि चीजें कैसे होती है, क्या होता है, क्यों होता है। फाइनली गाइज आपको समझ में आया होगा, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम भाई खत्म हो गया है। इसको आप शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। ये मैडम ये कह रहे हैं मैं बाइक कह के जा रही हूँ, लेकिन लाइक जरूर